चलिए गुड इवनिंग साथियों गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन परिवार में और उस स्पेशल डे का आप लोगों को काफी समय से इंतजार था कि यूट्यूब पे सी एन की क्लास है ना सी एन की क्लास वो भी परीक्षा से पहले परीक्षा उपयोगी क्लास जैसा कि आप सभी को बैनर्स के माध्यम से हमारी पोस्ट के माध्यम से बताया गया था कि शनिवार को और रविवार को दो दिन हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून है ना इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह क्लास बनाया गया है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ठीक है अभी होना बाकी है लाइव है आपके बीच तो आप सभी साथियों से आग्रह होगा कि इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए क्योंकि आज मुझे उम्मीद है कि आज रिकॉर्ड टूटेगा लाइव का मैंने काफी मेहनत करके इसका निचोड़ निकालने का प्रयास किया है और अगर सी एन टी एस पी टी आपके एग्जाम में 24 नंबर का आता है अगर भूमि संबंधी कानून आपके एग्जाम में 24 नंबर का आता है तो 24 नंबर के लिए अगर दो दिन के बदले तीन दिन भी दे दिया जाए और वहां से 16 से 20 नंबर आ जाए तो मुझे लगता है कि ये लाभकारी होगा है ना आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि इस 24 नंबर के विषय के लिए इस 24 नंबर के टॉपिक के लिए हमें दो की बजाय तीन दिन भी अगर देना पड़े तीन दुनिया छह घंटा भी देना पड़े सात घंटा भी देना पड़े तो हम लोग को देना चाहिए और ये टॉपिक हर किसी के पल्ले में नहीं पड़ती है जिसके पल्ले में पड़ गई वो अच्छा मार्क्स उठा लेगा ठीक है ना तो चलिए क्लास से पहले मैं आप सभी को इस क्लास के बारे में जानकारी दे देता हूं कि ये क्लास किस प्रकार से चलेगी आज कल और हो सके तो परसों भी चल सकती है ठीक है दोस्तों ये जो क्लास डिजाइन किया गया है ये इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले गए हैं कि सीएनटी एक्ट क्या है सी एक्ट के में कितने अध्याय हैं, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई थी इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से है किसने इसको पारित कराया था और इसको आने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़े और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके कारण सी एन पढ़ने में सबको तकलीफ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी टर्मिनोलॉजी आर यू एग्री विथ मी सी एन टी एस पी टी में अगर दिक्कत होती है ना साथियों तो यह नहीं कि धारा के कारण दिक्कत होती है क्योंकि लोगों को इसकी टर्मिनोलॉजी इसके जो शब्द हैं यही समझ में नहीं आते तो धारा कहां से याद होगा हमारे संविधान में तो इतने सारे आर्टिकल हैं फिर भी आप लोग सौ डेढ़ सौ दो सौ आर्टिकल तो आराम से याद रख लेते हो इसका कारण है कि आप उस आर्टिकल में उपबंध है उसको समझ पाते हो उसी प्रकार से अगर झारखंड के भूमि संबंधी कानून में जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का मतलब अगर आपने समझ लिया तो निश्चित तौर पर आप धारा को भी आराम से याद कर पाएंगे और डायरेक्टली धारा को याद करना बेवकूफी होती है दोस्तों पहले टर्म को समझिए पहले उनके शब्द का मतलब को समझिए उसके बाद जो कम है जैसे अनुसूचियां इसके अंदर जो सी एन टी एक्ट है उसमें दो अनुसूची है उसके अंदर 19 अध्याय है अगर 19 अध्याय आपको याद हो जाएंगे साथियों तो फिर आपको आराम से सौ धारा भी याद रहेगा है ना मैं आपको स्टार मार्क्स करके भी बताऊंगा आजकल परसों तीन दिन मेरा ये सोच है कि तीन दिन तक क्लास चले बट आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए साथियों सपोर्ट में क्या चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए देखिए अभी तक 200 लोग ही जुड़े हैं आपसे निवेदन है लाइक like बटन को आज तो पहले ही क्लिक कर दो भाई क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस टॉपिक को तैयार करने में है ना आपके लिए आसान बनाने में देखो तैयार करना बड़ी बात नहीं अपने लिए तैयार करना बड़ी बात नहीं होती है लेकिन आपके सामने परोसना उस चीजों को है ना उसको टेस्टी बना के परोसना खाना तो कोई भी बना सकता है है ना लेकिन खाना को टेस्टी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना ये होता है टफ काम और उसी के लिए टीचर्स मेहनत करते हैं टीचर्स समझने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। वो कैसे टेस्टी बने जो कंटेंट है वो कैसे आपके लिए आसान बने इसके लिए मेहनत करते हैं ठीक है ना साथियों तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक शेयर करो भाई एक बार शेयर करो आज नहीं बोलूंगा मैं लाइक शेयर करने आज खुद ब खुद आज के क्लास में दो हजार लाइक का रिक्वायरमेंट है मुझे है ना बिल्कुल वैसा ही प्रयास मेरा रहेगा अगले तीन दिन में ऐसा समझा देसी एन टी एसपीटी की चौबीस में से बीस नंबर तो आप आराम से ले आए लेकिन आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे मेहनत भी करना पड़ेगा साथियों ठीक है और सुन लो मेरी बात इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है एन टी एस पी टी की जो दो तीन दिन क्लास चलेगी इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा और वो कहां प्रोवाइड करूंगा करियर फाउंडेशन के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ये वाला जो क्लास होगा वो भी वहां पे डेमो में डाला हुआ रहेगा और वहीं पे डेमो के नीचे पीडीएफ डाला हुआ रहेगा तो कल शाम तक पहला पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो करियर फाउंडेशन का एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए वहीं पर आपको इसको नोट्स मिलेगा ठीक है ना साथियों चलिए तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास हां जी राज मुखर्जी आज थोड़ा अलग ही होने वाला है क्लास ठीक है चलिए तो देख सकते हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 हजार एसपीटी का निचोड़ महामैराथन क्लास का नाम है और यह परीक्षा से पहले क्या है भाई ब्रह्मास्त्र है परीक्षा से पहले क्या है ब्रह्मास्त्र है तो इस ब्रह्मास्त्र को जो लेके जाइएगा एग्जाम में अच्छे से बीस नंबर कर लीजिएगा सर कंफ्यूजन कमेंट में पूछ सकते हैं देखो मेरा देखो कंफ्यूजन हो ही ऐसा मैं मैं कोशिश दिन भर इसी पे काम किया का, कंफ्यूजन हो ही ना ठीक है तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा ना तो कोई कंफ्यूजन होने का बात नहीं है बाकी देखेंगे डाउट्स आपका जो होगा हम क्लियर करेंगे भाई ठीक है चलिए सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ऑनलाइन कोर्सेस चल रही है हमारे ऐप पे तो ऐप में विजिट करिए ऐप में अपडेट्स भी आ गया है जो लोग ऐप को अब तक डाउनलोड किए हुए थे वो लोग प्ले स्टोर से जाकर के अपडेट भी कर लीजिए उसमें एक दो फंक्शन ऐड किया गया है ठीक है एक दो फंक्शन उसमें और ऐड किया गया है उसमें वीडियो बढ़ाने का ऑप्शन ऐड किया गया है उसमें रोटेट का ऑप्शन ऐड किया गया है तो सभी लोग जाकर के चलिए सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए साथियों वहां पे कोर्स है जेपीएससी के लिए है प्रीलिम्स के लिए जेपीएससी मेंस का हमारा कोर्स चल रहा है आपका जे एस झारखंड दरोगा झारखंड पुलिस ठीक है ये सारे कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं साथियों और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए किसी भी कोर्स के बारे में झारखंड जी के स्पेशल भी ले सकते हैं तो आप इस नंबर पर सेवन नोट कर लीजिए नंबर 707080238 आप हमारी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.careerfoundation.org.in ठीक है भाई चलो संजय महतो जी जैसे सी में भी इसका बेसिक सवाल पूछता है तो क्या स्टार्ट किया जाए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए 300 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, मगर 230 लाइक है जल्दी से 300 लाइक करो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं टॉपिक का नाम है दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझाने में आसानी होगी कि अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा ठीक है इसी कारण से मैंने नोट्स वगैरह टाइप नहीं कराया हूं नोट्स को नहीं लिख लिख कर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा धीरे जरूर जाएंगे लेकिन आप लोग को समझने में आसानी होगी आप लोग याद भी करते चलिएगा दोस्तों आज का जो टॉपिक है आप सभी जानते हैं क्या है झारखंड के भूमि संबंधी कानून क्या है भाई आज का जो टॉपिक है वो क्या है झारखंड के भूमि संबंधी कानून झारखंड के भूमि संबंधी कानून ठीक है ना झारखंड के भूमि संबंधी कानून आज हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें कई सारे कानून हैं सी एन टी भी है एसपीटी भी है उससे पहले भी कई कानून हैं जैसे छोटा नागपुर भूदृति अधिनियम भी है बंगाल के कुछ अधिनियम है चूंकि पहले बंगाल और बिहार और उड़ीसा पहले एक साथ ही आता था तो उसी समय ये सब कानून बनाए गए थे साथियों हालांकि एस एक्ट अंत में बना है तो एसपी एक्ट क्या है कि वो जब बिहार झारखंड एक में था उस समय बना था बाकी सी एन टी एक्ट जो बना है वो जब बिहार बंगाल उड़ीसा एक साथ था उसी समय बना है क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार का विभाजन जो बंगाल से हुआ था 1912 में हुआ था है ना और उड़ीसा 1936 में हुआ था तो बिहार बंगाल उड़ीसा सात था उसी समय सीएन टी एक्ट बना था तो सी एन टी एक्ट पर आए हम लोग बीच में डिस्टर्बिंग मौका दूंगा बीच बीच में अच्छा थोड़ा नीचे करिए सर अच्छा ठीक है ठीक है कर रहे हैं चलिए अब दिखा अब दिख गया सबको हम्म ध्यान दीजिएगा चलिए तो दोस्तों झारखंड के भूमि संबंधी कानून को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये भूमि संबंधी कानून होते क्या हैं और ये अंग्रेज क्यों लाया करते थे है ना देखिए दोस्तों जब अंग्रेज सरकार यहां पर शासन कर रही थी उस समय भारत में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने प्रशासनिक अधिकार हासिल करने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाया करती थी ठीक है, शुरुआती कानून तो वो कंपनी के लिए बनाती थी फिर भारतीय लोगों के लिए वो कानून बनाने लगी। तो अंग्रेज लोग जो थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में शासन कर रही थी वो भारत से ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर सके है ना खासकर भूमि से ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर सके इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाया करती थी जैसे कि आप लोग भारतीय इतिहास में अस्थाई बंदोबस्ती जैसे कानूनों के बारे में सुना होगा जिसमें जमींदारी प्रथा लाई गई थी अस्थाई बंदोबस्ती में जमींदार को बीच में लगान वसूल करने के लिए लगाया गया था ठीक है उसके अलावा आप लोग जमींदारी प्रथा के अलावा महाल बाड़ी रैयतवाड़ी के बारे में पढ़ा होगा तो उनका मकसद होता था दोस्तों की कैसे ज्यादा से ज्यादा लगान वसूला जाए ठीक है अब होता क्या था कि जमींदारों को लगान वसूलना होता था खासकर जमींदारी प्रथा की अगर हम बात करें बीच में क्या हुआ कि जमींदारों को अपनी जमीन छीनने का डर होने लगा कुछ कोर्ट ने ऐसे कानून बनाए कुछ कोर्ट ने ऐसे नियम बनाए जिसमें जमींदार प्रेशर में आ गए जमींदारों की जमीन नीलाम होने का डर हो गया और इस वजह से जमींदार जो होते थे भारतीय लोगों से क्रूरता से लगान बसा करते थे ठीक है और कुर्ता से लगान वसूला करते थे तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो जो किसान थे वो असंतुष्ट होने लग गए किसान जो है लगातार अंग्रेजों के खिलाफ होने लग गए आप लोगों ने कोल विद्रोह के बारे में सुना होगा आप लोगों ने बिरसा उल गुलाम विद्रोह के बारे में सुना होगा अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो कोल विद्रोह और उल गुलाम विद्रोह जो बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ था कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था और जो बिरसा मुंडा का उल गुलाम विद्रोह अठारह से 2000 के बीच में हुआ था ये दोनों के दोनों कानून अंग्रेजों की भूमि संबंधी नीतियों के कारण थी जमींदारों के खिलाफ थी अंग्रेजों के खिलाफ थी ठीक है तो ये दोनों आंदोलन कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये एहसास दिलाने में सफल रही कि हम लोग जो है अब आपसे असंतुष्ट हो रहे हैं आपने जो भूमि संबंधी कानून बनाया है उससे हमारा दरिद्रता बढ़ता जा रहा है जिस वजह से आदिवासी खासकर झारखंड के आदिवासी जिसमें हमने अभी बात किया जो हो जो विद्रोह हुए थे वो विद्रोह जैसे कोल विद्रोह की बात हम लोग किए ना कोल विद्रोह हो गया और बिरसा उल गुलाम विद्रोह ये दोनों विद्रोह हुए थे तो इसी कारण से हुए थे साथियों ठीक है इसी का बाद में परिणाम निकला कि कैसे यहाँ की जनजातियों को संतुष्ट करे सरकार इसके लिए समय समय पर सुधार करती थी समय समय पर कानून बनाया करती थी समझ रहे हैं ना और उसी का परिणाम निकला दोस्तों कई सारे कानून बने आ, जो 18 अठारह कि पचास के बाद कई कानून बने उसके बाद फिर 1900 जब हमारी दी आई तब कई कानून बने जिसमें हम लोग सी एन पर भी चर्चा करेंगे ठीक है ना यहां तक कोई डाउट है क्या ये मैं बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि कैसे सी एन कानून आया ये अंग्रेजों का मकसद क्या होता था उद्देश्य क्या होता था कानून लाने का खासकर भूमि संबंधी कानून लाने का अंग्रेजों का जो मकसद होता था वो निश्चित तौर पर यही होता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लगान की वसूली की जा सके ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको कलेक्शन हो जाए लगान की वसूली के माध्यम से ठीक है चलिए। तो ये बैकग्राउंड आपने समझ लिया झारखंड के भूमि संबंधी कानून के बारे में जो बैकग्राउंड था ये तो आपने समझ लिया अब आप लोग ये जान जाइए ये दोनों बात याद रखिएगा कि ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाए उसके पीछे दो विद्रोह का महत्वपूर्ण योगदान रहा दो विद्रोह जो खासकर झारखंड के जनजातियों के द्वारा अंग्रेजी कंपनियों के खिलाफ की गई थी जमींदारों की नीतियों के खिलाफ की गई थी अंग्रेजों की नीतियों और जमींदारों की जो प्रणाली थी लगान वसूलने की उनके खिलाफ की गई थी तो ये दोनों विद्रोह को इसी भूमि संबंधी कानून से आप लोग जोड़ के याद रखिएगा एक तो आपको कोल विद्रोह के बारे में याद रखना है है ना आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 और 32 में ये इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था ठीक है और दूसरा बाद में जिसका तुरंत परिणाम निकला जो बिरसा मुंडा का बिरसा उल गुलाम विद्रोह हुआ था ठीक है बिरसा उल गुलाम विद्रोह बिरसा उल गुलाम विद्रोह जो अठारह में स्टार्ट होता है और उनकी मृत्यु तक यानी कि 1900 सौ ईस्वी तक ये आपका विद्रोह चलता रहता है किसी न किसी माध्यम से ये दोनों विद्रोह थे जिसका नतीजा हुआ कि अंग्रेज प्रेशर में आए और भूमि संबंधी सुधार कानून झारखंड के अंदर लाने लगे साथियों जो लोग तो वीडियो को शुरू से नहीं देखे ना अभी से कंटिन्यू ध्यान पूर्वक देखिए बाद में देख लीजिएगा जो छूट गया है वो बाद में देख लीजिएगा ठीक है जो अभी जुड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं ठीक है बाकी बैच उससे रिलेटेड जानकारी मैं देखिए कमेंट बॉक्स में नंबर दे दे रहा हूं जिनको बैच रिलेटेड जानकारी भी क्लास के बीच में हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस क्लास चल रही है इसलिए मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूं उसमें आप बैच रिलेटेड जानकारी ले लीजिएगा एडमिशन डिटेल ठीक है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए वहां से मिल जाएगा चलिए नीचे बैच रिलेटेड जानकारी जो एडमिशन डिटेल नीचे कमेंट सेक्शन में एक नंबर दे दिए वहां से कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ ठीक है चलो आ जाओ चलो फटाफट लाइक शेयर करो भाई जल्दी से एक हजार लाइव आ जाना चाहिए आज एक हजार लाइव कोल विद्रोह और बिरसा उल गुलाम विद्रोह ये दोनों विद्रोह जो है बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था दोस्तों जो झारखंड के आदिवासियों के द्वारा किया गया था और खासकर ये जमीन की नीतियों से असंतुष्ट थे उसके लिए किया गया था ठीक है ये दोनों को याद रखिएगा जमींदार जब क्या करने लगे जमींदार को जब जम, अपनी जमीन नीलाम होने का डर होने लगा तो वो क्रूरता से लगान की वसूली करने लगे थे और वही कारण था कि झारखंड के जनजाति असंतुष्ट हुए और वो विद्रोह 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 कर दिए कोल विद्रो जैसा ठीक है आपको मैंने पूछा था कोल विद्रोह किसने किया था कमेंट कीजिएगा जरा चलिए अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो यार एडमिट कार्ड आ जाएगा ना एडमिट कार्ड आएगा तो पता नहीं चलेगा चल जाएगा पता सबको चलिए सभी को बता दूं इसका नोट जो आज की क्लास चल रही है आज कल परसों जो क्लास चलेगी इसकी नोट्स मिलेगी करियर फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर करियर फाउंडेशन ऐप पे मिलेगी ठीक है चलिए आइए हम लोग आगे बातचीत शुरू करते हैं एक एक करके कानूनों की हम लोग चर्चा करते हैं साथियों उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको हम बताएंगे जैसे कि इसको याद रखिएगा जो बताने जा रहे हैं भूईहरी सर्वे क्या था भूहरी सर्वे ठीक है जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं भूईहरी सर्वे क्या था दोस्तों उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं देखिए भूईहरी सर्वे जो था ना कहा जाता है पूछ देगा अगर आपको कि जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए ध्यान से सुनना जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा उठाया गया पहला प्रभावी कदम कौन सा था तो वो था दोस्तों भूईहरी सर्वे एक बार रिपीट करिए मेरे साथ इन बातों को है ना पीडीएफ मिलेगा अभिजीत सिंह लेकिन क्लास नहीं कीजिए गए वाला तो पीडीएफ का कोई फायदा नहीं होगा पीडीएफ इस तरह से बनाया गया है कि क्लास करने वालों को ही पढ़ने में मजा आएगा ठीक है चलिए तो दोस्तों प्रश्न यह है पूछ देता है कि झारखंड के जनजातियों है ना जनजातियों को संतुष्ट करने के लिए खासकर भूमि संबंधी जो असंतुष्टि उनके अंदर थी है ना उनकी भूमि को जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा पहला प्रयास अगर किया गया था तो दोस्तों वो था भूहरी सर्वे ठीक है अब आपसे क्या क्या पूछ सकता भूईहरी सर्वे के बारे में ध्यान पूर्वक सुन लो आपसे पूछेगा कि भूईहरी सर्वे जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों भूईहरी सर्वे अठारह में शुरू हुआ था अठारह से शुरू होकर के ये अठारह सो ईस्वी तक चलता अठारह ईस्वी तक चला था एक प्रश्न यहां से बन जाता है ठीक है प्रश्न वाले फॉर्मेट बता रहे हैं आपको क्या क्या पूछेगा आपको ठीक ध्यान से सुनिएगा तो कोई भी बात ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा सब समझ में आ जाएगा ध्यानपूर्वक देना समझना होगा भूंहरी सर्वे के बारे में क्या बताया साथियों एक पॉइंट इसको भी नोट करिएगा कि आदिवासियों की आदिवासियों की भूमि को संरक्षित संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रभावी प्रयास प्रथम प्रभावी कदम बोल सकते हैं जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए अंग्रेज सबसे पहले कोई प्रभावी कदम अपना उठाए थे तो उस कदम का नाम था भूहरी सर्वे कब से कब तक चला था याद करते जाओ अठारह में शुरू हुआ था और अठारह ईस्वी तक भूहरी सर्वे हुआ था दोस्तों अब एक सवाल और पूछता है ये भूहरी सर्वे किसके नेतृत्व में हुआ था तो दोस्तों ये सर्वे बाबू रखाल दास के नेतृत्व में हुआ था किसके नेतृत्व में भाई बाबू रखाल दास हलधर बाबू रखाल दास हलधर के नेतृत्व में हुआ था ठीक है भूहरी सर्वे जो हुआ था उन्नीस से अठारह के बीच चला था अंग्रेजों द्वारा यह पहला प्रयास था आदिवासियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए और दोस्तों ये बाबू रखाल दास हलधर के नेतृत्व में हुआ था ठीक है किसके नेतृत्व में हुआ था बाबू रखाल दास हलधर के नेतृत्व में भूईहरी सर्वे हुआ था साथियों इसको याद रखिएगा अब इसका कंटेंट क्या है भूईहरी सर्वे में हुआ क्या था है ना आपसे पूछ दे सकता है ना कि भूहरी सर्वे तो हुआ आपने बता दिया सर कि भूहरी सर्वे पहला कदम था अंग्रेजों का आपने यह भी बता दिया सर कि भूहरी सर्वे किसके नेतृत्व में हुआ था आपने यह भी बता दिया सर कि भूहरी सर्वे में क्या हुआ था यह पहला कदम था आदिवासियों की जमीन को संरक्षित करने का लेकिन हुआ क्या था इसमें सवाल तो यह उठता है ना तो दोस्तों भूहरी सर्वे में ना मंजिहस भूमि को और किसको जो आपका दो प्रकार की भूमि होती थी ना एक आपका मंजिहस भूमि और एक कौन सा दोस्तों भूहरी भूमि है ना इसमें भूईहरी भूमि और मंजिहस भूमि को चिन्हित किया गया था ये सर्वे करवा करवा करके कौन कौन सी भूमि को भूमि को चिन्हित किया गया था दोस्तों याद रखिएगा भूहरी सर्वे में कौन कौन सी भूमि को एक आपका भूंहरी भूमि भूहरी भूमि भूहरी भूमि और मंझीहस भूमि और कौन सा भूमि मंझीहस मंझीहस भूमि को क्या किया गया था इन दोनों प्रकार की भूमि को चिन्हित किया गया था कि कौन सा भूहरी भूमि है और कौन सा मंजीहस भूमि है अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ गया होगा कि सर ये भूहरी भूमि क्या होता है ये मंजीहस भूमि क्या होता है बोलिए सही बोल रहे हैं ना आपके दिमाग में यह सवाल उठा कि नहीं हम बोले ना कि आपके दिमाग में जो सवाल उठेगा वो हमको पहले पता रहेगा उसके लिए आप चिंता मत करिए कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा चलिए तो दोस्तों भूईहरी भूमि और मंजीहस भूमि जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं ठीक है चलिए दोस्तों भूईहरी भूमि पहले जानते हैं ये भूईहरी भूमि होता क्या है भूईहरी भूमि भूधरी के बारे में भी बताएंगे भूतरी क्या होता है देखो भाई ये जो भूहरी भुण भूमि होता है ना इस किसको कहते हैं जो गांव होता है गांव में जो अलग अलग पद पे जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़े है ना उसमें आप लोग देखे होंगे महतो का पद होता है पाहन का पद होता है पुजारी का पद होता है तो गांव के अंदर जो जनजातियों में खासकर उनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था चलती है उसमें जो उनके पद होते हैं वो जिस पद पर काम करते हैं उनको काम करने के लिए जो भूमि दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं साथियों उसी को भूहरी भूमि कहा जाता है समझे गांव के अलग अलग पद के लोगों के लिए अलग अलग भूमि याद रखना भाई गांव के गांव के अलग अलग पद के लोगों के लिए लोगों के लिए अलग अलग भूमि को क्या बोलते हैं भाई भूहरी भूमि बोलते हैं जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए ध्यान से सुनिएगा उदाहरण अगर हम लेंगे दोस्तों एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले से ठीक है कि मह, महतो लोगों के लिए जो जमीन होता था ना महतो के लिए कौन सा भूमि महतो के लिए महतोई भूमि है ना महतोई भूमि ये महतोई भूमि भी एक प्रकार का क्या है भूहरी भूमि है उसी तरह से अगर जो पाहन लोग होते थे वो पाहन के लिए कौन सी भूमि भाई तो पाहन लोगों के लिए पाहन के लिए पहनोई भूमि कौन सी भूमि पहनोई भूमि पाहन के लिए पहनोई भूमि ठीक है उसी तरह से जैसे भूत खेत का नाम सुने होंगे जहां पर देवताओं को शांत करने के लिए पुजारी को दिया जाता था ठीक है भूमि भूमि महतोई भूत के भूत खेत हो गया भूत खेत के अलावा हो गया आपका डली कटारी का नाम सुना होगा आपने डली कटारी ये जो अलग अलग पद पर बैठे जो लोग होते थे गांव की शासन व्यवस्था में उनको जो भूमि दी जाती थी साथियों उनको जो भूमि यूज करने के लिए वेतन तो मिलता नहीं था पहले जमाना में समझे पहले वेतन नहीं मिलता था तो उनको जो भूमि दी जाती थी साथियों उसी को क्या बोलते थे भूहरी भूमि बोलते थे ठीक है और जो ये जो सर्वे हुआ था पहली बार जो सर्वे हुआ था पहला जो कदम था भूहरी सर्वे जो हुआ था भूहरी सर्वे में भूहरी भूमि और मंझीहस भूमि को क्या किया गया था उसको आइडेंटिफाई किया गया था समझे उसको क्लियर किया गया था कौन सा भूमि भूहरी है कौन सा भूमि क्या है भाई मंजीहस भूमि है समझ में आया दोस्तों यहां तक क्लियर है तो सब लोग जो लोग लाइक बटन क्लिक नहीं किया हो जल्दी से कर दो भाई प्लीज आपसे आग्रह है जल्दी से कर दो जो लोग लाइक बटन को क्लिक नहीं किया हो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज चलिए अब आपने ये समझ लिया इसमें आपका डली कटारी भी हो जाएगा डली कटारी हो जाएगा भाई और इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा भूत खेत भूत खेत हो जाएगा है ना यह सारी किस प्रकार की भूमि है तो हरी भूमि है साथियों अब आप लोग समझिए मंजीहस भूमि क्या होता है है ना कौन सी भूमि मंजीहस भूमि मंजीहस भूमि ठीक है मंजीहस भूमि की अगर हम बात करते हैं साथियों मंझीहस भूमि की अगर हम बात करते हैं किसको बोलते हैं मंझीहस भूमि देखिए गांव के जो अपने अपने हैं, उनके लिए जो संरक्षित भूमि है, मतलब कि देखो गांव में जो शासन व्यवस्था चल रहा है तो पूरी गांव की जमीन तो जो विभिन्न पदों पर बैठे होंगे सबको नहीं मिल जाएंगे समझ गए जो टोटल जमीन में बाकी जो बचे जमीन हो गए संरक्षित जमीन जो उन जो जो वहां के अधिकार प्राप्त लोग हैं उनके पास जो बची जैसे जमींदारों के पास जो जमीन बच गए समझ गए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मंजीहस भूमि बोलते हैं क्या बोलते हैं साथियों उसको मंजीहस भूमि बोलते हैं ठीक चलिए अभी हम बीच में डिस्टर्ब नहीं होंगे बीच में आप लोग इधर उधर की कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा ध्यान से सुनिएगा तो दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं मंजीहस भूमि में समझ सकते हैं लिख सकते हैं जो भी बोलिए यह होता है गांव के अपने अपने स्वधारियों है ना गांव के अपने अपने स्वत्वधारियों मतलब जिनका अधिकार है उस भूमि पर है ना स्वत्वधारियों तथा जमींदारों ठीक है तथा जमींदारों के लिए संरक्षित भूमि जमींदारों के लिए संरक्षित भूमि इसको क्या बोलते हैं भाई तो इसको बोलते हैं मंजीहस भूमि क्लियर हो गया दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया क्लियर है भाई क्लियर है गांव के अपने अपने स्वत धारियों और जमींदारों के लिए जो संरक्षित भूमि होती है उसको मंजीहस भूमि बोलते हैं और गांव के शासन व्यवस्था में परंपरागत शासन व्यवस्था में जो विभिन्न विभिन्न पदों पर विभिन्न विभिन्न पदों पर बैठे लोग होते हैं उनको जो काम करने के बदले जो जमीन दी जाती है उसको क्या बोलते हैं उसको भूहरी भुण भूमि बोलते हैं क्लियर हो गया दोस्तों बढ़ जा आगे चलिए ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा हम लोग बढ़ते हैं आगे ठीक है चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून कौन कौन सा था क्योंकि आपका सिलेबस में पूरा दिया हुआ है भूमि संबंधी कानून खाली सी एन टी एसपीटी नहीं पढ़ना है उसके पहले भी पढ़ना है प्रारंभिक प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून है ना प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सा कानून था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग ना इस क्लास को गलती से भी मिस मत करिएगा और जिन जो अभी लोग जुड़े हैं ना जो लास्ट में जुड़े हैं उनसे यह आग्रह होगा कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद शुरुआत का जो छूटा है ना आपका वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि शुरुआत में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात बता चुके हैं ठीक है ठीके? और शुरुआत से लास्ट तक खाली इंपॉर्टेंट बात ही होगा यहां पर ठीक है तो प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून की अगर हम बात करें तो आप लोग कुछ नाम केवल जान लीजिए फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे कि सुनो सुनो ध्यान से जैसे कि आप लोग एक डायरेक्टली पूछ देता है कब आया था है ना डायरेक्टली पूछता है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम क्या छोटा नागपुर भूधृति भूधृति अधिनियम छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम ठीक है भूधृति अधिनियम ये जो आया था दोस्तों इसको छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट के नाम से जाना जाता है ये कब आया था ये पूछ देता है आपको डायरेक्टली इसका क्वेश्चन पूछता है इसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेन्योर टेन्योर एक्ट के नाम से जानते हैं ठीक है कब आया था साथियों तो ये आया था अठारह ईस्वी में कब आया था अठारह ईस्वी में आया था ठीक है क्या था इसमें बताएंगे अभी थोड़ा सा रुक जाइए उसके बाद एक आया था छोटा नागपुर भूस्वामी और कस्तकारी प्रक्रिया अधिनियम छोटा नागपुर भूस्वामी और कस्तकारी कस्तकारी प्रक्रिया अधिनियम प्रक्रिया अधिनियम ठीक है छोटा छोटा नागपुर भूस्वामी और कस्तकारी प्रक्रिया अधिनियम आया था इसके बारे में अगर आपसे पूछेगा ये कब आया था साथियों इसको बोलते हैं छोटा छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट ठीक है छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट लिख दू क्या इंग्लिश में लिख देता हूं छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड टेनेंट Tenant प्रोसीजर प्रोसीजर एक्ट ठीक है इसके बारे में पूछेगा भाई ये कब आया था ये कब आया था साथियों ये जस्ट दस साल बाद आया था अठारह में आया था कब आया था अठारह में आया था उसके बाद एक और था, बंगाल कस्तकारी अधिनियम कौन सा भाई बंगाल कस्तकारी अधिनियम बंगाल कस्तकारी अधिनियम आया था ठीक है चूंकि बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही साथ ना था बंगाल टेनेंसी एक्ट इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट ये आया था एकदम लास्ट में ठीक है अठारह में कब आया था अठारह में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था साथियों ठीक है समझ आ रहा है ना आप लोगों? को तो ये तीन तो पहले याद कर लो सी एन टी एक्ट में घुसने से पहले इसको याद कर लो बढ़िया से कि दोस्तों प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून में कौन कौन से थे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम था जिसको छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 बोलते हैं। छोटा नागपुर भूस्वामी और कस्तकारी प्रक्रिया अधिनियम था जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट बोलते हैं एटीन नाइन में आया था फिर बंगाल कस्तकारी अधिनियम आया था एटीन नाइनटी सेवन में ये अधिनियम आया था साथियों क्लियर है भाई कोई दिक्कत है पूरा समझ में आ जाएगा चिंता मत करो रिवीजन भी कराएंगे आप लोगों को रिलेटेड सवाल भी पूछेंगे इसलिए ध्यान से सुनते जाओ खाली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जानते हैं पूछेगा आपको कि बताइए सर जी कि मौजावार सर्वे क्या था और कब आया था आपसे क्या पूछेगा मौजावार सर्वे हम शब्द के बारे में भी बताएंगे आगे कौन से शब्द का क्या मतलब होता है मौजावार सर्वे ठीक है मौजा जमीन का ये होता है कुछ ये मिला करके जमीन को मौजा बोला है मौजावार सर्वे जो आया था दोस्तों ये पूछेगा इसमें से क्या क्या सवाल पूछेगा कि ये कब आया था तो मौजावार सर्वे आया था 1902 सौ ईस्वी में कब आया था दोस्तों मौजावार सर्वे जो था 1902 सौ ईस्वी में आया था क्यों आया था मोजावार सर्वे का क्या उद्देश्य था क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि मोजावार सर्वे का क्या उद्देश्य था तो मोजावार सर्वे का उद्देश्य था दोस्तों खेवट और खतियान का निर्माण करना क्या उद्देश्य था मौजावार सर्वे का जो उद्देश्य था मोजावार सर्वे का जो उद्देश्य था साथियों वो क्या था खेवट तथा खतियान का निर्माण करना खेवट खेवट तथा खतियान का निर्माण करना खतियान का निर्माण करना ठीक है भाई खेवट तथा खतियान का निर्माण करना ही मोजावार सर्वे का मुख्य उद्देश्य था अब आप लोग बोलोगे सर जी ये खेवट क्या होता है ठीक है आप बोलोगे सर जी ये खेवट क्या होता है खतियान तो सुने हैं ये खेवट क्या होता है तो सुन लो भाई लोग खेवट भी बता देते हैं कि खेवट क्या होता है इसका मतलब होता है भाई खेवट जो होता है उसके बारे में भी जान लो क्योंकि शब्द जब तक नहीं जानोगे ना आप लोग आपको पूरा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा समझे देखिए दोस्तों खेवट एक प्रकार का दस्तावेज है समझे खेवट क्या है एक प्रकार का दस्तावेज है जो कि किसके पास रहता है पटवार के पास रहता है किसके पास रहता है लेखपाल के पास रहता है अब आप बोलोगे सर पटवार क्या होता है सर ये नहीं बोलोगे भाई देखो पटवार का जो पद है ना उसको अलग अलग राज्यों में अलग, अलग अलग नाम से जानते हैं समझे जैसे हमारे झारखंड में उसको कर्मचारी बोलते हैं क्या बोलते हैं कर्मचारी बोलते हैं राजस्थान में उसको पटवार बोलते हैं कई स्टेट में उसको लेखपाल बोलते हैं ठीक है तो पटवार लेखपाल कर्मचारी ये सब एक ही है दोस्तों ये सब ब्लॉक में रहते हैं जो पूरे ब्लॉक के अंदर जो जमीन होता है ना जमीन का वो ब्यौरा रखते हैं कौन सा जमीन किसका है कौन सा जमीन कितना प्लॉट नंबर है कितना उसका जमीन का क्षेत्रफल है ये सारी बातें ठीक है इंग्लिश भी यूज करने का कोशिश कर रहे हैं जहां तक प्रयास होगा ठीक है दोस्तों रेवेन्यू स्टाफ जो होता है ना उसको बोलते हैं पटवार चार नाम बता दिए पटवार का आपको हिंदी मीडियम वालों पटवार होता है उसी को हम लोग लेखपाल बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कर्मचारी बोलते हैं खासकर राजस्व कर्मचारी बोलते हैं हमारे जो ब्लॉक लेवल में होता है ठीक है और दोस्तों नहीं भाई अलग अलग पंचायत के लिए हाँ होता है अलग अलग पंचायत कुछ पंचायतों का वो होता है कुछ हाँ, इस तरह के पद होते हैं अब सुन लो मेरी बात कि जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टाफ क्या बोलते हैं रेवेन्यू स्टाफ बोलते चलिए दोस्तों खेवट तथा खतियान का निर्माण करना अभी हम आपको बोले कि ये मोजावार सर्वे का उद्देश्य था खेवट होता है पटवारियों या लेखपालों का वह दस्तावेज लिख लीजिएगा आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा ठीक है पटवारियों या लेखपालों का वह दस्तावेज है ना वह दस्तावेज जिसमें गांव के कस्तकार की जमीन जिसमें गांव के कस्तकार की गांव के कस्तकार की जमीन पट्टा और मालगुजारी समझे जमीन पट्टा और मालगुजारी का विवरण होता है ठीक है भाई विवरण होता है समझ में आया आपको ये जो मौजावार सर्वे जो हुआ था मौजावार जो सर्वे हुआ था दोस्तों अरे नहीं जी अमीन अलग चीज होता है आशेर प्रधान जी अमीन अलग होता है अमीन रहता तो हम बोल देते ना आपको अपने से क्यों दिमाग लगा रहे हैं ठीक है अमीन अलग है अमीन तो जमीन नापी का काम करता है जी चलिए तो दोस्तों खेवट का मतलब क्या हुआ पटवारियों या लेखपालों का वह दस्तावेज पटवारियों ले, या लेखपालों का वह दस्तावेज जिसमें कि है ना गांव के कस्तकार कस्तकार का मतलब समझते हैं आप लोग देखो कस्तकार में रैयत भी आते हैं है ना कस्तकार में भूधारक भी आते हैं अलग अलग जिसके जिसके हक में भूमि है कोई भूमि जो है वो खेती करने के लिए लिया हुआ है कोई भूमि उसको अधिकार में मिला हुआ है ये सभी को मिला के हम लोग कस्तकार बोलते हैं अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में समझे तो पटवारियों या लेखपालों का वह दस्तावेज जिसमें गांव के कस्तकार को जमीन जो गाँव के कस्तकार होते हैं उसकी जमीन उसका पट्टा और मालगुजारी का विवरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं खेवट बोलते हैं अगर आपसे पूछ दे भाई कि खतियान क्या होता है सर खतियान भी बता दीजिए नाम तो सब सुने होंगे हो सकता है देखे भी होंगे खतियान लेकिन एक्चुअल मतलब जो खतियान में होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं देखिए खतियान एक कानूनी दस्तावेज होता है दोस्तों इसमें क्या होता है ना ये खतियान जो है एक कानूनी दस्तावेज है क्या है ये कानूनी दस्तावेज होता है ठीक है और इसमें क्या क्या होता है पता है आप लोग को कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन खसरा नंबर उसके मालकों मालिकों की संख्या इसमें क्या क्या होता है इसमें जमीन का विवरण होता है खसरा नंबर का विवरण होता है खसरा नंबर ठीक है मालिकों की संख्या मालिकों की संख्या उसके अलावा आप इसमें क्षेत्र जो है जमीन का क्षेत्र कितना है यह सारा विवरण किसमें होता है दोस्तों खतियान में होता है ठीक है यूपीएससी प्रिया शर्मा थोड़ा वेट करिए सबके लिए हमको क्लास देना है ठीक है आप जिंदा मत करिए देखिए खतियान जो होता है दोस्तों कानु, एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें जमीन उसका खसरा नंबर देखिए खसरा नंबर और प्लॉट नंबर जो है ना इसमें थोड़ा सा अंतर समझिए हाँ दोनों गांव में इसको खसरा नंबर बोलते हैं चूंकि यूज करते हैं खसरा एक अरबी वर्ड है और उसको खसरा नंबर बोलते हैं गांव में चूंकि खेती के लिए वो जमीन यूज होता है तो उसको खसरा नंबर बोलते हैं और वही शहरों में जो घर बनाने के लिए होता है उसको प्लॉट नंबर नाम दे देते हैं समझे तो अबुल हसन ने सही कहा उसको खसरा नंबर प्लॉट नंबर ये कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है ना दोस्तों जी तो दोस्तों ये जो खतियान होता है ये कानूनी दस्तावेज है जिसमें क्या क्या होता है आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में इसीलिए तो इतना ध्यान से बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि खतियान में इनमें से क्या नहीं होता है भाई खतियान एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें जमीन का विवरण होता है उसके खसरा नंबर का विवरण होता है उसके मालिक की संख्या का विवरण होता है उसके क्षेत्र का विवरण होता है उसका स्वामी कौन है उसका विवरण होता है दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है ना चलिए सेशन अगर अभी तक पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए जल्दी से सिक्स लाइक तो कम से कम पहुंचा दीजिए सिक्स अभी आप लोग लाइव है तो आप लोगों से आग्रह है कि जल्दी से वीडियो को सभी लोग लाइक करिए जो लोग नहीं किए हैं तो यहां जो मौजावार सर्वे के बारे में आपने समझ लिया कि मौजावार सर्वे जो है ये 1902 में आया था उद्देश्य था खेवट तथा खतियान का निर्माण करना खेवट क्या होता है पटवारी और लेखपालों का वह दस्तावेज जिसमें गांव के कस्तकार की जमीन पट्टा और मालगुजारी का विवरण होता है और खतियान क्या होता है कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें खसरा नंबर जमीन मालिक की संख्या क्षेत्र इन सब चीजों का विवरण होता है साथियों ठीक है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए हम लोग सी एन टी एक्ट शुरू करें उससे पहले सी छोटा नागपुर भूदृति अधिनियम के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है समझे छोटा नागपुर छोटा नागपुर भूध धृति अधिनियम भूधृति अधिनियम छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम की बात करें दोस्तों अठारह में आया था सभी जानते हैं एटीन में आया था 1869 में यह अधिनियम आया था अठारह ईस्वी में ठीक <laughs> चलिए तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जानना है जैसे कि इसी अधिनियम में पूछता है ना देखो यही वो अधिनियम है साथियों छोटा नागपुर भूदृति अधिनियम ही वो अधिनियम है जिसमें कि भूहरी शब्द में भूतखेत इसी अधिनियम में इसी अधिनियम में है ना भूहरी शब्द में भूहरी शब्द में भूतखेत उसके अलावा आपका हो जाएगा डली कटारी डली कटारी पहनई महतोई पहनई महतोई शब्द की परिभाषा है शब्द की क्या है भाई परिभाषा है ठीक है भाई आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि किस अधिनियम में किस अधिनियम के अंदर है ना किस अधिनियम के अंदर भूत खेत डली कटारी पहनई महतई यानी कि जितने भी भूहरी के अंतर्गत आते हैं भूईहरी भूमि के अंतर्गत जो भी आते हैं शब्द उसके बारे में विवरण जो है दोस्तों वो किस अधिनियम में मिलता है तो दोस्तों ये मिलेगा आपको छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम अठारह ठीक है इस अधिनियम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए सब लोग ठीक है इस अधिनियम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग स्टार मार्क लगा करके सुन लीजिए ये क्या है भाई अगर आपसे पूछेगा विशिष्ट कमिश्नर के बारे में यहां पर ना इस अधिनियम में एक विशिष्ट कमिश्नर का पद था विशिष्ट कमिश्नर का पद था ये जो विशिष्ट कमिश्नर होता था ना कोई भी भूईहरी तथा मंझीहस भूमि से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर ध्यान से सुनिए भूहरी भूमि और मंझीहस पर दावा करने वाले मतलब कोई भी भूमि है जो दावा कर रहा है कि ये मेरी भूमि है ठीक है और खासकर हम बात किसके कर रहे हैं भूईहरी भूमि और मंझीहस भूमि ठीक है जिसके बारे में हम क्लास के शुरू में बता चुके हैं कि भूहरी भूमि क्या होता है मंझीहस भूमि क्या होता है तो भूईहरी भूमि और मंझीहस भूमि में अगर कोई दावा करता है तो उसके दावे की जांच पड़ताल करने का काम उसकी सीमांकन करने का काम किसका होता है तो विशिष्ट कमिश्नर का होता है ठीक है किसका होता है साथियों विशिष्ट कमिश्नर का होता है इसको दिमाग में बिठा लेना खासकर अगर छोटा नागपुर भूधती अधिनियम से रिलेटेड जो सवाल पूछेगा इसको लॉजिकली नोट करना दोस्तों छोटा नागपुर भूधती अधिनियम से रिलेटेड अगर अधिकार से संबंधित कोई सवाल पूछेगा शक्तियों से और कार्य से संबंधित सवाल पूछेगा कि ये शक्तियां किसके पास है ये कार्य किनका है लॉजिकली नहीं तुरंत लगा देना विशिष्ट कमिश्नर का समझे क्योंकि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम में विशिष्ट कमिश्नर को बहुत सारी शक्तियां दी गई है समझे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है कानून बनाने को छोड़ करके बाकी जितने भी काम हैं जो भूहरी और मंजिह भूमि से संबंधित हैं वो सारे शक्तियां और सारे कार्य किसके हाथ में होते हैं विशिष्ट कमिश्नर के हाथों में होते हैं किसके हाथ में होते हैं दोस्तों विशिष्ट कमिश्नर के हाथ में होते हैं पूर्वाज सिंह अगर आपका क्लास छूट गया आगे कंटिन्यू कीजिए बाकी जो चीजें छूटी है फिर से वीडियो देख के स्टार्टिंग वाला कंप्लीट कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है है ठीक तो विशिष्ट कमिश्नर एकदम दिमाग में बिठा लो भाई एकदम रटवाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एकदम अभी से बाद आपको यह चीज ना पढ़ना पड़े एग्जाम तक दोस्तों अगर कभी भी एग्जाम में पूछ दे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम से संबंधित चूंकि हम आपको बताया कि इस अधिनियम में ही भूहरी भूमि मंज भूमि जो खासकर डली कटारी पहनई महतोई ये सब भूमि की परिभाषा दी गई है तो भूहरी और मंजिहस भूमि से संबंधित कोई दावा ठोकता है तो उस दावे की जांच करने का काम भी विशिष्ट कमिश्नर का होता है उस उसका सीमांकन करने का भूमि का जो भूईहरी और मंजिहस भूमि है ना उसका सीमांकन करने का काम भी विशिष्ट कमिश्नर का होता है और इससे रिलेटेड सारी शक्तियां किसको दी गई है विशिष्ट कमिश्नर को दी गई है साथियों इससे रिलेटेड नियम कानून बनाना तो राज्य का काम है लेकिन उसके अलावा सारी शक्तियां किसके पास है तो विशिष्ट कमिश्नर के पास है इसको नोट कर लेना भाई ठीक है ना चलिए क्लियर है अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यह वाला क्लियर हो गया भूधित अधिनियम में कोई डाउट तो आप लोग को नहीं जरूरत पड़ने पर सरकार इस पर नियम बना सकती है लेकिन सारे काम किसके हैं तो विशिष्ट कमिश्नर का होता है अच्छा सुन लो एक बात आप लोग को भूधृति का मतलब समझ में आता है क्या अगर आपसे पूछ दिया जाए ये भूधृति क्या होता है भू धृति क्या होता है इसका मतलब भी जान लीजिए आप लोग भूधृति को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लैंड टेन्योर क्या बोलते हैं लैंड टेन्योर बोलते हैं क्या बोलते हैं लैंड टेन्योर ये क्या होता है ना भूधृति भूमि ये भूधृति जो है भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं सुन लीजिए भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण सुन लीजिए लिख देते हैं यहां पर ठीक है भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं व्यवस्था को कहते हैं भूधृति के बारे में बात करें भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण हो व्यक्तियों का वर्गीकरण हो भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण हो समझे और उनके अधिकारों तथा दायित्वों का उल्लेख हो और उनके अधिकारों अधिकारों तथा दायित्वों का उल्लेख हो दायित्वों का उल्लेख हो ठीक है समझ आया आप लोग को भूधति भूमि के उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले जो भी लोग भूमि पर अधिकार रखने वाले हैं उन उनके बारे में अधिकार रखने वाले जो व्यक्ति उनका वर्गीकरण किया गया हो और उनका क्या अधिकार है उनका क्या दायित्व तो है इस भूमि के प्रति ये सारे विवरण में मिलते हैं दोस्तों मिलते हैं भूधृति में आया बात समझ में ठीक है खाली आप लोग बीच बीच में ना एग्जाम उन्नीस को होगा कोई बारह को होगा कोई कुछ होगा कभी कुछ होगा खाली ध्यान से पढ़ने का छोड़ करके फालतू का कमेंट करने के लिए आते हैं हा? आपको समझ में आता है कि ये चीजों को समझाने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इतना भूमि ये वकील लोग का विषय है समझे ये जो विषय है ना ये वकील लोग भूमि से संबंधित सारी चीजें अमीन वकील ये लोग जानते हैं इसके लिए बहुत मेहनत करके आना पड़ता है आप सभी के बीच ताकि आपको समझाया जा सके आसान भाषा में समझे खुद के लिए पढ़ना थोड़ा आसान होता है दोस्तों लेकिन समझाने के लिए उसको आसान बनाने के लिए उसके लिए काफी मेहनत करने पड़ते हैं तो आप लोग को तो इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आता है खाली इधर उधर के कमेंट किए जा रहे हैं ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं फ्री का क्लास मिल रहा है तो दिक्कत हो रहा है आप लोग को पेड़ क्लास कर देते हैं तो उसमें भी बोलते हैं सर पेड़ लेते हैं पैसा लेते हैं सर हद है यार चलो ध्यान से पढ़ो यार आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं इसको मिटा दे दोस्तों भूदृति का मतलब समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ थे अब हम लोग सी एन टी जो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का अगला जो टॉपिक है वो क्या है छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेसिक पढ़ रहे थे झारखंड के भूमि संबंधी कानून के बारे में जो बैकग्राउंड था उसकी जो उसका जो इतिहास था ठीक है उसके पहले जो कानून सीएनटी के पहले जो कानून बने थे ठीक है उसके बाद मौजावार सर्वे क्या था भूंहरी सर्वे क्या था ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जान चुके हैं दोस्तों अब हम लोग सीएनटी एक्ट पर फोकस करते हैं ठीक है दोस्तों अब अगर हम सीएनटी एक्ट पर फोकस करें इसको हम लोग छोटा नागपुर क्या बोलते हैं सीएनटी एक्ट को क्या बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों छोटा नागपुर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट टेनेंसी एक्ट 1908 ठीक है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इसके बारे में हम स्टार मार्क करके कुछ पॉइंट बता रहे भाई इसको एकदम आराम से दिमाग में नोट करते जाना कॉपी में नोट कर सको तो कॉपी में नोट कर लोगे तो और अच्छी बात है ये जो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम था दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए इसका बैकग्राउंड इसकी जो रूपरेखा है इसको जो एक्ट है ये एक पारित भले ही 1908 में हुआ था 1908 के नाम से हुआ था लेकिन इसका प्रावधान जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कर दिया गया था किसमें कर दिया गया था भारत परिषद अधिनियम अठारह में इसके प्रावधानों को जोड़ दिया गया था साथियों ठीक है शुरू से क्लास करिएगा तो समझ समझ में आएगा प्रभात रंजन जी बहुत इससे इजी कोई नहीं समझा सकता है आप पूछ लीजिए स्टूडेंट लोग से कितना अच्छे से समझ में आ रहा सबको दोस्तों सी एन टी एक्ट का जो प्रावधान है भले ही ये 1908 में लागू हुआ पारित हो गया जब लॉर्ड मिंटो भारत के वायसर आए थे उनके द्वारा इनको पारित कराया गया लेकिन इसकी इसका जो प्रावधान है वो अठारह के भारत परिषद अधिनियम में ही जोड़ दिया गया था लेकिन इसको पारित नहीं किया गया था दोस्तों जब बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है सन अठारह ईस्वी में अठारह से लेकर के 2000 के बीच में जो बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है वो आंदोलन मुख्यतः अंग्रेजों की जो भूमि संबंधी नीतियां थी जमींदारों की जो प्रथाएं थी उसके खिलाफ होता है। क्योंकि आदिवासी जो होते हैं जनजाति जो होते हैं उनके जीवन का आधार होता है भूमि उनके जीवन का आधार होता है जल जंगल जमीन लेकिन जब अंग्रेज जब अंग्रेज ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाने लगे जिससे कि इनकी भूमि छीनने लग गई इनके अधिकार छीनने लग गए तो फिर इस प्रकार के आंदोलन हुए जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक तो कोल विद्रोह हुआ था अठारह सौ गुलाम विद्रोह हुआ तो बिरसा विद्रोह का ही प्रभाव था दोस्तों उसी का एक परिणाम था कि वर्ष 1908 में छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम को लॉर्ड मिंटो के द्वारा पारित कराया जाता है ठीक है ये तो हम लोग बात करेंगे लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए ये छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का अन्य नाम क्या है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों इसको बंगाल अधिनियम संख्या जीरो छ भी कहते हैं क्या बोलते हैं बंगाल अधिनियम संख्या अधिनियम संख्या जीरो छीस सौ आठ ठीक है छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं क्वेश्चन पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में तो दोस्तों याद रखिएगा बंगाल अधिनियम संख्या जीरो छे उन्नीस सौ आठ के नाम से इसको जानते हैं ठीक है आपको एक बात और याद रखना है भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है सीएनटी एक्ट के बारे में सीएनटी एक्ट को जनजातियों का मैग्ना काटा कहा जाता है ठीक है C.N.T. एक्ट को जनजातियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है साथियों इसको भी आप लोग याद रखिएगा अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि सर जी ये मैग्ना कार्टा क्या होता है तो दोस्तों आपको बताते हैं मैग्ना कार्टा एक मिनट लगेगा मैग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है जैसे कि अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान है तो मौलिक अधिकार जो है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं जानते हैं कि नहीं मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं सुने होंगे आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे उसी तरह से सी एन टी एक्ट जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को हम लोग जनजातियों का मैग्ना कार्टा कहते हैं जिससे कि जनजातियों को अधिकार प्राप्त हुए थे ठीक है चलिए एक पॉइंट ये वाला क्लियर है और क्या पूछेगा भाई किस विद्रोह का परिणाम था सी एन टी एक्ट अगर ये पूछ दे तो, तो ये दोस्तों ये बिरसा उल गुलाम विद्रोह की परिणति परिणति चोपड़ा मत समझ लेना आप लोग समझ ही लोगे परिणाम ही लिख देते हैं परिणाम ठीक है पूछेगा कि किसका परिणाम था तो यह बिरसा उल गुलाम विद्रोह जो अठारह में हुआ था उसी का परिणाम था दोस्तों इसको पारित कराने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी तो लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा इसे पारित कराने की अनुमति दी गई थी इसको पारित कराने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा इसको पारित कराने की अनुमति दी गई थी दोस्तों इसका प्रावधान जो था ना पूछ देगा सीएनटी एक्ट का प्रावधान किस कानून में था नीचे दिख रहा है ना लिखे नीचे चलिए इसका प्रावधान इसका प्रावधान इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम उन्नीस भारत परिषद अधिनियम उन्नीस की धारा पांच ये भी बात याद रखिएगा ठीक है आपसे अगर पूछ देगा कि जो सी एक्ट है उसका प्रावधान किस अधिनियम में था तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अधिनियम में था साथियों याद रखिएगा ये बहुत जो एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है ना एग्जाम में जो पूछता है ना भाई वही बता रहे हैं सुन लेना ध्यान से इसके पहले भी जो बताए हैं बहुत स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन है सब पूछते वाला क्वेश्चन है भाई एक बात बोले आप लोग को बोले माइंड मत करिएगा बोल देते हैं देखिए आप लोग सी एन टी एस हैं क्यों नहीं आपको क्यों दिक्कत होता है आप लोग उसका टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं उसका बेसिक को नहीं समझते हैं उसका न्यू को मजबूत नहीं करते हैं, चल जाते सीधे धारा पढ़ने है कि नहीं बोलिए गलत बोल रहे हैं अब भाई सीधे धारा पढ़ोगे उसमें एक शब्द समझ में नहीं आ रहा सर खुटकट्टी व्यवस्था क्या होता है रैयत क्या होता है भूस्वामी क्या होता है अधिभोगी रैयत क्या होता है अनाधिभोगी रैयत क्या होता है ये जान ही नहीं रहे हो भाई तो धारा कहां से याद होगा याद होगा क्या बोलिए डायरेक्ट धारा पढ़ोगे ना भाई बता दे रहे हैं तुम लोगों को कि कभी नहीं याद होगा जीवन भर रखते रह जाओगे धारा याद भी कर लोगे दस दिन में भूल जाओगे लेकिन अगर बेसिक से जड़ से मजबूत करोगे ना सी एन टी एक्ट को कि इसका मतलब टर्मिनोलॉजी जो उसमें शब्द लिखे हो, उसका मतलब समझ गए मतलब समझिए कि 80 परसेंट आपका सॉल्यूशन हो गया समझ रहे हैं ना 80 परसेंट सोल्यूशन तो मतलब जानने से ही हो जाता है धारा तो आपका याद हो ही जाएगा फिर सब थोड़ी ना धारा याद रखना है जी चलिए तो क्या बोले अधिनियम बंगाल अधिनियम संख्या जीरो छह इसको बोलते हैं सीएनटी एक्ट को क्या बोलते हैं बंगाल अधिनियम संख्या जीरो छह बोलते हैं जनजातियों का मैग्ना काटा भी बोलते हैं बिरसा उल गुलाम विद्रोह का भी इसको परिणाम कहा जाता है क्योंकि बिरसा उल गुलाम विद्रोह तो उसके बाद ही कुछ ही समय बाद इंडियन काउंसिल एक्ट के इंडियन काउंसिल एक्ट में इसका प्रावधान था पूछेगा किस गवर्नर जनरल ने इसको पारित करवाया था किस वाइस राय ने इसको पारित करवाया था साथियों तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा इसको पारित कराया गया था किसके द्वारा पारित कराया गया था दोस्तों लॉर्ड मिंटो के द्वारा इसको पारित कराया गया था इसका प्रावधान पूछेगा कि किस एक्ट में किस एक्ट में था किस धारा में था या पूछेगा किस एक्ट में था तो भारत परिषद अधिनियम अठारह सो में था बोलो याद हो रहा है ना सब चीज हड़बड़ा के पढ़ा देंगे याद ना होगा कोई फायदा ना होगा इसलिए सुन लीजिए ध्यान से पूछ देगा कि बताइए कि सीएनटी एक्ट का प्रावधान किस किस अधिनियम में था तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में था बोलेगा कि सीएनटी एक्ट का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम की किस धारा में था है ना सीएनटी एक्ट का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट की किस धारा में था तो दोस्तों कौन सी धारा में था धारा पांच में था किस धारा में था धारा में था वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जाना दोस्तों अभी तक तो लाइक तो हो ही जाना चाहिए था लेकिन करने वाले डिसलाइक करने वाले नौ लोग करके बैठे हुए हैं आप लोग मात्र छे सौ इक्यावन भाई जल्दी से करो आठ सौ आठ सौ जल्दी से करो चलिए बढ़ते हैं भाई और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला क्लियर हो गया ना सब चलिए हम लोग आगे जानते हैं और अगर आपसे पूछ दिया जाए साथियों कि सी एक्ट का प्रारूप कब तैयार किया गया था लागू कब किया गया था है ना दो सवाल और यहां पर पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा सी एक्ट का प्रारूप सी एक्ट का प्रारूप कब तैयार किया गया था किया गया था क्वेश्चन है ये मेरा दोस्तों 1903 में ही प्रारूप तैयार हो गया था समझे सी एन टी एक्ट का जो प्रारूप था साथियों वो 1903 में तैयार हो गया था लेकिन इसको लागू कब किया गया इसको लागू किया गया था दोस्तों 11 नवंबर 11 नवंबर 1908 सौ ईस्वी को लागू किया गया सीख है ना ग्यारह नवंबर 1908 सौ ईस्वी को सी एन टी एक्ट को लागू किया गया था साथियों इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्लियर है सबका कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी जो शुरू से वीडियो को देख रहे हैं ठीक है अब जो बाद में जुड़े हैं ना उनका एक सॉल्यूशन है वीडियो खत्म हो जाए तो शुरू में जो छूट गया उसको देख लीजिए ठीक है वही सॉल्यूशन है कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो दोस्तों सीएनटी एक्ट का प्रारूप कब तैयार किया गया था 1903 में तैयार किया गया था पूछेगा भाई कि सीएनटी एक्ट का जब प्रारूप तैयार किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है तो कमेंट करिए जरा एक्ट का जब प्रारूप तैयार किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे बताइए जरा नहीं जी प्रारूप तैयार किया गया था उस समय लॉर्ड मिंटो थोड़ी ना थे लागू करवाने के समय लॉर्ड मिंटो थे जी बहुत बढ़िया निशान सिंह लॉर्ड करजन कौन था लॉर्ड करजन था दोस्तों जिस समय प्रारूप तैयार हुआ था उस समय लॉर्ड करजन था वायसराय और जिस समय लागू कराया गया था लागू करवाने का जो आदेश दिया था अनुमति दिया था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय दिया था मार्ले मिंटो सुधार सुने ना उन्नीस में तो उससे पहले से ही वो वाइसराय था चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का हृदय से एक बार हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज पहली बार मेरी क्लास में 700 लोग लाइव देख रहे हैं ठीक है 700 लोग अभी लाइव देख रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से दिल से आभार व्यक्त करूंगा दोस्तों और इसी तरह से आप लोग हमारा इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और हम तो आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ठीक है, है? चलिए वीडियो को सब लोग लाइक शेयर करिए और लोगों को जोड़िए आज एक का टारगेट पार करिए आज एक लाइव का टारगेट पार करिए दो लाइक का ठीक है चलिए अब हम लोग जानते हैं साथियों इसको मैग्ना काटा वगैरह तो जान ही लिए सीएनटी एक्ट की रूपरेखा के बारे में जानते हैं ये वाला क्लियर हो गया ना 11 नवंबर 1908 को सी एन टी एक्ट को लागू कराया गया था ठीक है 11 नवंबर 1908 को आठ को सीएनटी एक्ट को लागू कराया गया था साथियों इसको आप लोग याद रखिएगा अब चलिए सी एन टी एक्ट की रूपरेखा की बात कर लेते हैं किसकी सी एन टी एक्ट की रूपरेखा ठीक है ना दोस्तों आपको बोले है ना कि आज कल और परसों तीन दिन अगर सीएन टी एसपीटी का हम क्लास ले लिए अगर आप लोग मन लगा के कर लिए तो 24 में से 20 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं जिसको भी डर लगता है सीएन टी एसपीटी एक्ट से आज की क्लास कल की क्लास और परसों की क्लास जरूर देख लीजिएगा ठीक है किसी भी कीमत में मत छोड़िएगा कल भी लाइव क्लास होगा आपका ठीक है चलिए अब सुन लो मेरी बात सी एन टी एक्ट की रूपरेखा की अगर पूछेगा बात एग्जाम में अगर पूछेगा तो दोस्तों इसकी रूपरेखा का जो तैयार करने का श्रेय जो है किसको जाता है एक सवाल पूछता है ना इसकी रूपरेखा जो है इसको तैयार करने का श्रेय किसको जाता है ये सवाल बनता है वो कौन थे किनका किनका योगदान था है ना तो दोस्तों जॉन जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन का नाम तो सुना ही होगा आपने जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन इनका नाम तो सुन ही रखा होगा आपने जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जो थे दोस्तों वो मुंडाओं के बीच में खासकर झारखंड के मुंडा आदिवासियों के बीच में एक अच्छी खासी पहचान बना चुके थे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे है ना कौन थे इनके बारे में भी सवाल बन सकता है आपको तो प्रश्न यह बनेगा भाई कि जॉन बैप्टिस्ट हॉकमैन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जॉन बैप्टिस्ट हॉकमैन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है तो दोस्तों जॉन बैप्टिस्ट हो जो थे ये कौन थे ये थे दोस्तों एक जर्मन जूसिट पादरी थे कौन थे एक जर्मन जर्मन जेसुइट जेसुइट पादरी थे ठीक है पादरी होते हैं ना चर्च में वो थे और इनका और यहां पर क्या रिलेशन रहा भाई मुंडाओं के बीच में खासकर छोटा नागपुर छोटा नागपुर में छोटा नागपुर क्षेत्र जो है छोटा नागपुर में मुंडाओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे छोटा नागपुर में ये क्या कर रहे थे मुंडा आदिवासियों के बीच में मुंडाओं के बीच में बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहे थे साथियों किस मुंडा जनजातियों के बीच में तो पहचान बना चुके थे अच्छा खासा और खासकर इन लोगों से इनका लगाव भी हो गया था तो इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है जॉन बैप्टिस्ट हाफ मैन का समझे जॉन बैप्टिस्ट हाफ मैन थे दोस्तों ये एक जर्मन जूसेड पादरी थे ये छोटा नागपुर के मुंडाओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और इसकी रूपरेखा को तैयार करने का श्रेय है तैयार करने का श्रेय तैयार करने का श्रेय पूछता है एग्जाम में किनको जाता है तो इन्हीं को जाता है इनके बारे में आप लोग डिटेल जान लीजिए इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा जॉन लिस्टर का एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जॉन लिस्टर तो इनके बारे में भी पूछ सकता है सीएनटी एक्ट को बनाने में उसके रूपरेखा को तैयार करने में उसके प्रारूप को तैयार करने में जॉन बैप्टिस्ट हाफमेन का तो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ही लेकिन जॉन लिस्टर में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी दोस्तों ठीक है फालतू के कमेंट अभी मत कीजिए बाद में आप लोग बातचीत कर लीजिएगा जो पूछना होगा अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए बस ठीक है ध्यान लगाइए यहां पर चलिए यह बात क्लियर हो गया अब हम लोग बात करते हैं आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि सीएनटी एक्ट जो है उसका ब्लू प्रिंट को सबसे पहले किसमें प्रकाशित किया गया था समझे सबसे पहले किस चीज में प्रकाशित किया गया था यह भी एक साथ बनेगा साथियों ठीक है सब लोग लाइक बटन को क्लिक कर दो दोस्त लो लो अब तक नहीं किए हो एक सवाल क्या बनेगा कि जो प्रकाशन हुआ था किसका सीएनटी एक्ट का सीएनटी एक्ट का प्रकाशन सीएनटी एक्ट के प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो सी एन टी एक्ट का जो प्रकाशन हुआ था उसके बारे में अगर हम लोग तो सबसे पहले सीएनटी का जो ब्लू प्रिंट है, है मतलब तैयार करने से पहले ब्रू प्रिंट बनाया जाता है, ब्लू, जो है उसका प्रकाशन सबसे पहले कलकत्ता गजट में हुआ था ब्लू प्रिंट का प्रकाशन सबसे पहले सबसे पहले कहां हुआ था सबसे पहले कलकत्ता गजट में हुआ था साथियों कलकत्ता गजट में हुआ था इसको भी आप लोग याद रखिएगा अब देखिए बंगाल गजट देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बंगाल गजट भाई बंगाल गजट अलग है कलकत्ता गजट अलग है क्यों कंफ्यूज होते हो अपने मन से अपने मन से कंफ्यूजन क्रिएट करते हो आप लोग बंगाल गजट पढ़े हो मतलब बंगाले गजट है केवल कलकत्ता गजट नहीं है सी एक्ट का जो ब्लू प्रिंट है दोस्तों वो कलकत्ता गजट में प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट अलग है भाई बंगाल गजट अलग है कलकत्ता गजट अलग है ठीक है कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए अपने अपने चलिए अब आपको एक ऑप्शन में दोनों दे देगा आपको ऑप्शन में कलकत्ता गजट भी दे देगा बंगाल गजट भी दे देगा और भी कुछ किताबों का प्रकाशन दे देगा तो याद रखिएगा साथियों सी एक्ट का जो ब्लू प्रिंट है उसका सबसे पहले प्रकाशन किसमें हुआ था दोस्तों सी एक्ट का वो कलकत्ता गजट में हुआ था किसमें हुआ था कलकत्ता गजट में हुआ था ये बात भी क्लियर हो गया अब हम लोग जानते हैं सी एक्ट में कितना अध्याय है एन टी एक्ट में कितना अनुसूची है कितना धारा है कितना बाद में जुड़ा है इन सब बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं सुन लीजिए ध्यान से चलिए अध्याय कितने हैं दोस्तों सीएनटी एक्ट में अध्याय की संख्या कितनी है तो देखिए मुख्यतः इसमें जो चैप्टर है इसको अध्याय को हम लोग इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं चैप्टर चैप्टर की संख्या मुख्यतः कितनी है दोस्तों जो शुरुआत में थी 19 है कितना है 19 अध्याय है लेकिन कुछ कुछ ऐड भी हुआ है इसके बारे आप, में आपको हम बताएंगे इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए अध्याय कितने हैं चैप्टर कितने हैं उन्नीस है आपसे पूछेगा कि इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों सीएनटी एक्ट के अंदर यह भी आपसे पूछ देगा तो अनुसूचियां ज्यादा नहीं है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल क्या बोलते हैं शेड्यूल बोलते हैं और इसकी संख्या दोस्तों दो ठीक है अनुसूचियों की संख्या कितनी है दो है ओके चलिए उसके बाद पूछेगा धारा कितना है धारा की संख्या सी एन टी एक्ट में कितना है जो नए जुड़े ना भाई लोग चैनल पे आपको बिलीव करना चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे आपके लिए झारखंड विशेष हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और करियर फाउंडेशन का जो एंड्रॉयड ऐप है ना उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आज का जो क्लास चल रहा है ना उसका पीडीएफ हम एंड्रॉयड ऐप में अपलोड करेंगे ठीक है तो करियर फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसको जरूर डाउनलोड करके रखिए उसमें हम नोट्स भी आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे ये वीडियो जो है वो भी अपलोड कर देंगे ठीक है ऐप में ओके आज कल परसों तीन दिन क्लास लेंगे इसका और तीनों दिन का नोट्स हम आप लोग को ऐप में प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है ना दोस्त चलो धाराओं की संख्या पूछेगा तो तो कितना है इसमें धारा जो है दोस्तों दो सौ है कुछ किताबों में अंतिम जो धारा है ना उसको काउंट नहीं करता है क्या हम्म कुछ किताबों में अंतिम धारा को काउंट नहीं किया जाता दोस्तों अनुपूरक लिख दिया गया जो बची खुची चीजें हैं वो वहां पर है अनुपूरक का मतलब वही होता है अनुपूरक बजट के बारे में सुने ना अनुपूरक का मतलब होता है जो बची हुई चीजें वो तो बहुत लोग किताब लिख देता है कि लास्ट वाला जो धारा है उसको काउंट नहीं करता है मगर पूरा इसको काउंट करके रखिए ठीक है थीके? तो सी एन टी एक्ट में अध्याय कितने हैं उन्नीस है अनुसूचियां कितनी है दो है और धारा कितने है? दो सौ इकहत्तर है अब बीच बीच में ना अध्याय एक अध्याय दो अध्याय तीन अध्याय चार इस तरह से तो है ही क्या हल हो रहा है कौन है ठीक है ठीक है अब देखिए आपको बोलेगा ना कि कौन कौन सा धारा ऐड हुआ है समझे हम आपको बताएंगे डिटेल में कि कौन कौन सा धारा कब ऐड हुआ तो बताएंगे ही लेकिन जो सबसे पहले जो धारा ऐड हुआ मतलब से अगर हम 1, 2, 3, 4 की बात करें तो अध्याय नौ में एक ऐड हुआ है अध्याय नौ का क समझे अगर इसमें एडिशन की बात करें तो अध्याय यहां पर जो ऐड हुआ है वो कौन कौन सा ऐड हुआ है बाद में अध्याय नौ का क ऐड हुआ है ठीक है कौन कौन सा ऐड हुआ ध्यान से सुनते जाइएगा। अध्याय नौ का क ऐड हुआ है उसमें क्या प्रावधान है नौ का क में बंजर भूमि का बंदोबस्त का प्रावधान है समझ रहे हैं आप लोग उसके अलावा जो ऐड हुआ है साथियों वो सोल्ला का क ऐड हुआ है कौन सा ऐड हुआ है अध्याय सोलह का क ऐड हुआ है ठीक है कोई दिक्कत सोलह का क अध्याय ऐड हुआ है ये दोनों अध्याय दोस्तों बाद में ऐड किए गए अगर इन अध्यायों को काउंट करें ना जैसे भारतीय संविधान में कुछ भी ऐड होता है ना ऐसे तो 395 आर्टिकल ही भारतीय संविधान में लेकिन उसमें चीजें क ख ग घ ऐड होती जा रही हैं आर्टिकल में तो हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं और कहते हैं अभी साढ़े चार से ज्यादा आर्टिकल है कहते हैं ना तो उस तरह से काउंट करिएगा तो ये दोनों अध्याय बाद में ऐड हुआ है उस तो उस तरह से धारा बहुत सारा ऐड हुआ चलिए क्या बोले जी कमेंट में सोलह के क में क्या बताएंगे बताएंगे अभी रुके ना सब अध्याय बताएंगे अब सुनिए आप लोग आप बोले सर जी कि धारा बताइए देखो आप लोग को हम धारा याद करने का तरीका भी बताएंगे ठीक है पहले अध्याय जान लो ये उन्नीस अध्याय तो दिमाग में बिठा लो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर ये उन्नीस अध्याय आपको याद है तो धारा से संबंधित सवाल को सॉल्व करने की आपकी संभावना 80 प्रतिशत बढ़ जाएगी समझे क्योंकि आप जान जाओगे कि इस अध्याय में धारा इतना से इतना तक है इस अध्याय में धारा इतना से इतना तक है यह अगर आप याद करने में सफल रहे तो अध्याय में जो विषय होते हैं ना दोस्तों उसी विषय को विस्तार पूर्वक सभी धारा में लिखा जाता है तो वहां से आपको एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना जो है बढ़ जाती है ठीक है तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये 19 के 19 अध्याय को याद करवाएंगे आज और अभी इसी वक्त ठीक है ये जब याद हो जाएगा आप लोग का फिर हम लोग धारा में इंटर करेंगे फिर टर्मिनोलॉजी में इंटर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है टर्मिनोलॉजी सी एक्ट को अगर कब्जा में करना है सी एन टी एक्ट पर अगर आ, मतलब अधिकार करना है आपको सी एन टी एक्ट का एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से बना के आना है तो भाई उसका टर्मिनोलॉजी को याद कर लो समझ जाओ सबको कि हर एक शब्द का क्या मतलब है आज की क्लास में भी हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को समझेंगे लेकिन उसके लिए अंत तक आपको बना रहना पड़ेगा समझे अभी पहले हम लोग अध्याय के बारे में जान लेते हैं चलिए ये तो याद हो गया सबको अभी तक का क्लास में सब कुछ याद हो रहा है ना दोस्त मौजावार सर्वे कब हुआ था पूछे अगर आप सो बताइए जल्दी से कमेंट करके देख लेते हैं चेक करके आपको कितना याद है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बोलिए दोस्त मौजावार सर्वे कब हुआ था जल्दी कमेंट कीजिए नहीं देखिए मत कॉपी में मौजावार सर्वे बहुत बढ़िया दोस्त मौजावार सर्वे उन्नीस सौ अच्छा मौजावार सर्वे में क्या हुआ था मौजावार सर्वे का क्या उद्देश्य था प्रश्न पूछेगा एग्जाम में क्या बताइएगा बोलिए मौजावार सर्वे का क्या उद्देश्य था बता दो भाई बता दो मौजावार सर्वे का क्या उद्देश्य था साथियों कमेंट कर दो जल्दी जल्दी अभी तक नहीं आया है मेरे सवाल का जवाब क्या क्या दो उद्देश्य बताए थे ना खेवट और खतियान का निर्माण करना क्या खेवट और खतियान का निर्माण करने के लिए मौजावार सर्वे लाया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कितने अध्याय १९ अध्याय कितनी अनुसूचियां दो अनुसूचियां कितनी धाराएं दो धाराएं दोस्तों ठीक है अच्छा सुनो 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 अभी कहां जो दो अनुसूचियां है उसको पहले पढ़ ही लेते हैं दो अनुसूचियों को याद करने के लिए अलग से क्यों हम लोग लिखेंगे अनुसूचिया को जान लो सबसे पहले देखो भाई ये दोनों अनुसूचिया जो है ना इसमें क्या क्या प्रावधान है एक जो अनुसूची है उसमें छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ना छोटा नागपुर का क्षेत्र उसमें निरस्त अधिनियम और अधिसूचनाओं की सूची है समझे अनुसूची इसमें जो अनुसूची वन है अनुसूची वन जो है साथियों उसमें छोटा नागपुर प्रमंडल छोटा नागपुर प्रमंडल में निरस्त अधिनियमों की सूची है निरस्त अधिनियमों की सूची है समझे छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर जो निरस्त अधिनियम है उसकी सूची आपको मिलेगा किसमें दोस्तों <laughs> टर्मिनोलॉजी का मतलब होता शब्द समझे शब्द जिसका अर्थ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं उस, उस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं ठीक है चलिए दूसरा जो है दोस्तों मानभूम क्षेत्र में है ना दूसरा जो अनुसूची है उसमें मानभूम जिले में निरस्त अधिनियमों की सूची है मानभूम जिले में निरस्त अधिनियमों की सूची है अब इसको भी आपको समझा देते हैं कहीं भी ना अनुसूचियों में लिस्ट होता है समझे अब भारतीय संविधान की भी अनुसूची पढ़िएगा तो वहां भी आपको लिस्ट मिलेगा जैसे आप लोग भारतीय संविधान जो अधिकारी ऊपर से नीचे तो उनका सैलरी उनका पेमेंट का वर्णन मिलता है समझे पूरा लिस्ट मिलता है तीसरी अनुसूची पढ़ते हैं तो शपथ कौन कैसे कैसे लेगा उसका प्रावधान मिलता है समझ गए चौथी अनुसूची पढ़ते हैं तो राज्यसभा सीट कौन कौन से राज्य को कितना राज्यसभा सीट मिला हुआ है वो चीज पर मिलता है तो कहीं भी अनुसूची का जहां प्रावधान वहां लिस्ट मिलेगा आपको तो दोस्तों जैसे सीएन टी एक्ट जब लागू हुआ ना तो सी एन टी एक्ट लागू होने से बहुत सारे जो पहले से जो कानून थे वो निरस्त हो गए समझ गए मान लीजिए कि झारखंड के अंदर सीएन टी एक्ट लागू हुआ तो सी एन टी एक्ट में भूमि को आदिवासियों के लिए जनजातियों के लिए संरक्षित किया गया तो उससे बाकी जो नियम बने हुए थे जो इसको प्रभावित कर रहे थे जो इसके एक्ट को प्रभावित कर रहे थे वो ऑटोमेटिक निरस्त हो गए तो जो नियम निरस्त हुए हैं सी एक्ट आने की वजह से उन नियमों की लिस्टिंग अनुसूचियों में की गई है ठीक है तो दोस्तों ये जो अनुसूची वन है इसका सी एक्ट का उसमें छोटा नागपुर पूरा जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें उसके अंदर जितने भी नियम निरस्त हुए हैं उसकी सूची आपको मिलेगी अनुसूची वन में और जो दूसरी अनुसूची है वो मानभूम जिले के अंदर थोड़ा स्पेशल प्रावधान था तो मानभूम जिले के अंदर जितने भी नियम निरस्त हुए हैं सी एन टी एक्ट आने की वजह से वो सारे नियम जो निरस्त हुए हैं उसकी सूची आपको दूसरी अनुसूची में मिलेगी समझ गए कोई दिक्कत चलिए नहीं होगा दिक्कत अब हम लोग बढ़ते हैं अध्याय के बारे में पढ़ लेते हैं ये वाला याद हो गया अभी तक अभी तक सब क्लियर है ना कितना अध्याय उन्नीस अध्याय कितनी अनुसूचियां दो अनुसूचिया कितनी धाराएं तो दो सौ इकहत्तर धाराएं ये सी एन टी एक्ट में है है ना रूपरेखा को तैयार करने का श्रेय किसको जाता है तो जॉन बैप्टिस्ट हॉपमेन को जाता है जॉन बैप्टिस्ट हॉपमैन कौन थे तो जर्मन जर्मन जेसुइट पादरी थे जो किस जनजाति के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो मुंडाओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे ठीक है समझ आया चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग को क्या जानना है अध्याय सी एन टी एक्ट के अध्याय बोले ना अध्याय के अंदर अगर धारा पढ़ते जाओगे तो कभी याद नहीं होगा पहले तो अध्याय को दिमाग में बिठा लो उसके बाद धारा पढ़ो पहले अध्याय याद कर लो तब धारा याद होगा और धारा ही नहीं है पूरा सी एन टी एक्ट बहुत लोग तो सोचते हैं कि धारा नहीं याद हुआ मतलब सी एन टी एक्ट गया भाई धारा से एक दो सवाल ही पूछे जाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा दोनों सी एन टी एसपी टी एक्ट मिलाकर के तीन से चार मैक्सिम सवाल पूछे जाएंगे लेकिन आपको सवाल चौबीस नंबर के आने हैं 24 नंबर के जो सवाल आएंगे उसमें शब्दों के बारे में पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होता है कब आया था ये पूछा जाएगा बहुत सारे तरह के सवाल बनते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि धारा नहीं पढ़े तो मतलब गया ठीक है चलिए हम लोग 20 मार्क्स, ट्वेंटी मार्क्स मिनिमम ट्वेंटी मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं आज कल और परसू तीन दिन के क्लास में ठीक है चलिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं सी एन टी एक्ट के अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं किसके बारे में सी एन टी एक्ट के अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है चलिए लाइक बटन की संख्या थोड़ा सा अभी देखो हजार भी नहीं पहुंचा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से एक हजार लाइक की संख्या पहुंचा दीजिए दो हजार का टारगेट है आज एक हजार जल्दी से कंप्लीट कीजिए अभी आप लोग कर सकते हैं तुरंत के तुरंत चलिए एक एक करके अध्याय के बारे में जानते और अध्याय के अंदर कितनी धाराएं ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहीं से तो आप लोग धारा याद कर पाएंगे अगला जो क्लास हम लोग लेंगे उसमें ये सारी चीजें क्लियर होगी तो दोस्तों अध्याय के अंदर कितनी धाराएं वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे आइए एक एक करके बात शुरू करते हैं अध्याय वन याद करते हुए चलना ये नहीं कि खाली पढ़ेंगे बाद में याद करेंगे नहीं याद करते हुए चलना अध्याय जो वन है साथियों सी एक्ट का जो अध्याय वन है ठीक है इस अध्याय में सबसे पहले आपको जानना है कि कितनी धाराएं हैं अध्याय वन में कितनी धाराएं हैं तो धारा नंबर वन टू थ्री ठीक है तो इसमें याद रखिएगा धारा वन से थ्री धारा वन से तीन तक का जो प्रावधान है वो अध्याय वन में है अब आप लोग अगर बोलोगे भाई कि अध्याय वन में क्या है अध्याय वाल में आखिर क्या प्रावधान लिखा हुआ है तो अधिनियम का नाम लिखा हुआ है अधिनियम का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक है वो लिखा हुआ है तो लिख लो आप लोग भी लिखना चाहते हो तो अधिनियम का नाम अधिनियम का नाम तथा विस्तार अधिनियम का नाम तथा विस्तार आपको कौन से अध्याय में मिलेगा तो पहले अध्याय में मिलेगा अब आपको अगर पूछ देगा भाई कोई विस्तार से रिलेटेड सवाल पूछ देगा नाम से संबंधित सवाल पूछ देगा तो आप अध्याय वन का ही धारा ना देखेंगे बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि आप जान रहे हैं अध्याय वन में अध्याय वन में वन से लेकर तीन ही तक धारा है तो इससे संबंधित अगर कोई आपको सवाल पूछ दे दोस्तों एक बार एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्लियर कर देते हैं जैसे मान लीजिए कि अध्याय वन के बारे में आपसे अगर बोल दे कि छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम जो है उसका प्रसार छु, उसके प्रसार जो उत्तरी छोड़ नागपुर दक्षिणी छोड़ नागपुर तक फैला हुआ है ये प्रावधान किस धारा में है तो इतना तो आप कंफर्म बता सकते हो कि एक दो और तीन के बाहर नहीं जाएगा है ना आपको अध्याय पहले क्यों याद करने बोल रहे हैं आप को क्योंकि अध्याय याद हो तो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे है ना तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा एक दो तीन धारा के अलावा जितने भी ऑप्शन होंगे वो तो, तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसा क्लोज ऑप्शन नहीं देगा वन टू थ्री फोर ऐसे नहीं देगा ऐसे नहीं देता एग्जाम में समझे तो जो पहला जो धारा है उसमें यह विस्तार के बारे में लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का विस्तार जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में है, है कि नहीं चलिए हो गया क्लियर अब चलिए हम लोग बात करते हैं अध्याय दो की धारा अभी नहीं धारा पढ़ोगे तो फिर भूलने लग जाओगे अध्याय दो की बात करते हैं अध्याय दो में क्या प्रावधान है साथियों सबसे पहले तो अध्याय दो में कितनी धाराएं हैं? अध्याय दो, दो है? अध्याय दो में टोटल पांच है? है ना? कौन कौन सा धारा चार से आठ ठीक है धारा चार से आठ तक जो है वो आपको सीएन टी एक्ट के अध्याय दो में देखने को मिलेगा ठीक ठीक है दोस्तों चलिए सीएनटी एक्ट का अध्याय वन जो है दोस्तों धारा वन से थ्री तक है जिसमें अधिनियम का नाम है विस्तार है दूसरा जो है धारा जो अध्याय दो है उसमें धारा चार से आठ तक है इसमें ना इसमें कस्तकारों के वर्ग के बारे में लिखा हुआ है कस्तकारों का वर्ग ठीक है अब आप लोग बोलोगे कस्तकार क्या होता है सर जी है ना तो बता ही देते हैं थोड़ा सा रुक जाओ बता देते हैं कस्तकार क्या होता है देखो कस्तकार जो होते हैं ना इसी के अंदर भूधारक आते हैं इसी के अंदर रैयत आते हैं इसी के अंदर दर रैयत आते हैं इसी के अंदर मुंडारी खुटकटीदार आता है समझे मतलब किसको जो अलग अलग जिसको भूमि का भूमि से रिलेटेड अधिकार प्राप्त है ना उन सभी को कस्तकार बोलते हैं क्या बोलते हैं कस्तकार बोलते हैं साथियों तो कस्तकारों के वर्ग के बारे में धारा चार से आठ तक विवरण है इसमें कस्तकारों के वर्ग में भूधारक हो गए रैयत हो गए है ना उसके अलावा आपका दर रैयत हो गए रैयत के अंदर अधिभोगी रैयत भोगी रैयत उसके अलावा आपका भूधारक हो गया और भी है जैसे खुटकट्टी अधिकार प्राप्त अधिकार युक्त रैयत हो गए ये सारे इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं कस्तकार बोलते हैं क्या बोलते हैं साथियों कस्तकार बोलते हैं आई बात समझ में सबको चलिए अध्याय नंबर तीन की बात कर लेते हैं याद हो रहा ना सबको अध्याय वन में क्या है अधिनियम का नाम है अधिनियम का विस्तार है एक से लेके तीन तक है धारा उसमें दो में चार से आठ तक है कस्तकारों का वर्ग है अध्याय नंबर तीन में क्या है मेरे भाई बताओ अध्याय नंबर तीन में क्या मिलेगा आपको इसमें धारा जो है दोस्तों नौ से लेके पंद्रह तक मिलेगा कितना तक धारा इसमें नौ से पंद्रह तक देखने को मिलेगा और प्रावधान यानी उपबंध क्या है इसमें अध्याय नंबर तीन में इसमें भूधारक के बारे में लिखा हुआ है किसके बारे में भूधारक के बारे में अध्याय तीन में आपको देखने को मिलेगा अब आप बोलोगे ये भूधारक क्या होता है मतलब समझाते जा रहे हैं आप लोगों को अभी जो बताए आप लोग को कस्तकार बताए कस्तकार के अंतर्गत भूधारक बताए रैयत बताए सब कैटेगरी बता दिए मतलब समझ रहे ना आप लोग तो उसके अंदर जो कस्तकार के अंदर भूधारक का जो प्रावधान है भूधारक को क्या अधिकार प्राप्त होगा उसको कितना लगान चुकाना होगा ये सारे प्रावधान आपको कहां मिलेंगे दोस्तों चलिए एक हजार लाइक होने वाला है अरे भाई एक सौ बार एक सौ अठारह दूर है अभी है ना और दो हजार का टारगेट है दोस्तों आज दो हजार लाइक जल्दी जल्दी कंप्लीट करो आप लोग चलिए तो भूधारक है अध्याय चार सुन लो अध्याय जीरो चार सुन लो क्या है पहले तो आप लोग ये याद कर लो कि कितना से कितना तक है तो दोस्तों अध्याय चार में जानते हैं कितना है टोटल बीस धारा है यानी कि धारा नंबर सोलह से धारा नंबर 16 से धारा नंबर 36 तक का प्रावधान जो है दोस्तों वो अध्याय चार में मिलेगा और इसमें किसके बारे में है रैयत के बारे में है किसके बारे में है रैयत के बारे में है साथियों याद रखिएगा एकदम कैटेगरी वाइज है कोई दिक्कत नहीं है एकदम लाइन से अगर आप पढ़ोगे ना तो याद करने में कोई समस्या नहीं होगा सुनो ध्यान से एक बार एक बार सुनो दोस्तों अध्याय वन जो है उ, कोई भी चीज का अध्याय पहला क्या होता है उसमें नाम वगैरह होता है उसका विस्तार होता है सिंपल सी बात है तो अध्याय वन जो है उसमें एक्ट का क्या नाम है उसका शॉर्ट नेम क्या है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है एक दो तीन नंबर धारा तो इसी से रिलेटेड है दूसरा जो है दोस्तों धारा चार से आठ तक है मतलब अध्याय दो इसमें कष्टकारों का वर्ग है क्यों है कष्टकारों का वर्ग लॉजिक लगाओ भाई दूसरा जो अध्याय है उसमें ये जो चूंकि से संबंधित कानून है ना तो ये जमीन किनका किनका होता है ये जमीन पर कौन 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 काम करते करते हैं हैं यूज यूज करता है कस्तकार यूज करते हैं। अब कस्तकार किसको बोलते हैं जो भूधारक होता है जो भू अपनी भूमि को या किसी और की भूमि को खेती करने के लिए लेता है और उसके बदले लगान चुकाता है उसको भूधारक बोलते हैं ठीक है उसको भूधारक बोलते हैं तो भूधारक भी एक प्रकार का कष्टकार होता है रैयत किसको बोलते हैं रैयत को जमींदार के द्वारा भूमि का अधिकार प्राप्त होता है समझे वो, वो अधिकार में मिला हुआ रहता है कि वो भूमि इतने वर्षों तक या उसी का जमीन है रैयत का है समझे और भूधारक होता है स्पेशली वो खेती करने के लिए जमीन को लेता है और उसके बदले वो उसका लगान चुकाता है और रैयत जो होता है उसको भूमि का अधिकार प्राप्त होता है जो जमींदार से उसको अधिकार मिलता है समझे तो रैयत हो गया भूधारक हो गया आपका खुटकटीदार खुटकटीदार रैयत हो गया फिर आपका ये आपका जो रैयत का अलग अलग प्रकार हो गया सब प्रकार के कास्तकारों के बारे में अध्याय दो में लिखा हुआ है जो चार से लेकर आठ तक है, है कि नहीं उसके बाद दोस्तों अध्याय तीन जो है वो नौ से पंद्रह तक है अब जो इसमें कस्तकार का वर्ग बताए थे ना कस्तकार में एक भूधारक था तो भूधारक के लिए स्पेशल प्रावधान अध्याय तीन में है भूधारक के लिए जो कस्तकार होता है यहां पे कस्तकार लिखा हुआ ना तो कष्टकार में भूधारक भी आता है रैयत भी आता है तो जो भूधारक है भूधारक के लिए स्पेशली एक अध्याय बनाया गया जिसका नाम अध्याय तीन है इसमें आपका नौ से पंद्रह तक है भूधारक को कितना लगान चुकाना होगा उसको किस प्रकार से भूमि मिलेगी वो भूमि को किसी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है ये सारा प्रावधान आपको मिलेगा इसमें है कि नहीं उसके बाद साथियों तो अध्याय तीन हो गया अध्याय चार में रैयत है देखो कस्तकार के अंदर भूधारक भी है रैयत भी है ये स्पेशल जो अध्याय तीन है वो आपका धारक के लिए भूधारक के लिए चार जो है स्पेशली रैयत के लिए है बीस आर्टिकल है दोस्तों इसमें बीस धारा है धारा सोलह से लेकर के छत्तीस तक है ठीक है ना दोस्तों समझ आ रहा ना आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक हजार कंप्लीट करो जल्दी से देर मत करो आप लोग एक हजार लाइक जल्दी से कंप्लीट करो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय पांच के बारे में किसके बारे में अध्याय पांच के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम अध्याय पांच की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल एक ही आर्टिकल है और ये आप स्टार लगा लो इसमें इसको स्टार लगा लो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इस अध्याय में सिर्फ एक ही आर्टिकल है वो आर्टिकल का नाम है थर्टी सेवन तो पूछ देगा कि धारा सैतीस में क्या है दोस्तों सी एन टी एक्ट की धारा सैतीस में क्या है या वो अब उपबंध ही दे देगा बोल देगा ये किस धारा में है इसको ये वाला जो है ना स्टार लगा लो दोस्तों अध्याय पांच को क्योंकि इसमें एक ही धारा है धारा नंबर सैतीस इसको मैं रेड कलर से स्टार लगा देता हूं आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में काउंट कर लेना ठीक है ऐसे इंपॉर्टेंट सब होता है एग्जाम में पूछने वालों के लिए इंपॉर्टेंट सब होता है लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसको हम लोग स्टार लगाएंगे ठीक है तो दोस्तों इसमें थर्टी सेवन नंबर धारा है इसमें क्या पता है खुटकट्टी <.íciosMaangos> अधिकार प्राप्त रैयत का स्पेशल प्रावधान एक धारा स्पेशली उसी के लिए एक अध्याय खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत दोस्तों याद रखना सब लोग अकेला ये धारा जो है ना आपका ये धारा जो आपका है पांच इसमें एक ही ये अध्याय पांच जो इसमें एक ही धारा है 37 इसको स्टार मार्क्स लगा लेना हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर पांच तो क्लियर हो गया ना अध्याय वन टू थ्री फोर फाइव अभी हम आपसे पूछेंगे चलिए पांच क्लियर हो गया तो आप लोग बताइए मेरे पीछे पीछे कॉपी देख के मत बताना भाई याद हो गया तो बता दो जाएगी अध्याय वन में क्या है बोलिए अध्याय वन में क्या है सी एन टी एक्ट का नाम है उसका विस्तार है कितना से कितना धारा है धारा वन है टू है थ्री है अध्याय दो में क्या है साथियों बोलिए अध्याय दो में चूंकि भूमि से संबंधित कानून है तो भूमि किसका किसका हक होगा वही होगा ना तो अध्याय दो में कस्तकारों के बारे में है कस्तकारों के वर्ग के बारे में है कितना से कितना धारा चार पांच छ सात आठ ठीक है धारा चार से लेकर आठ तक है उसके बाद अध्याय तीन जो है जो कस्तकार का एक कैटेगरी था अध्याय तीन में है उसके बारे में है ना और वो कौन है कौन है भूधारक का प्रावधान है अध्याय तीन में धारा बताइए अध्याय तीन का अध्याय तीन का धारा बताइए जल्दी से नौ से लेकर के पंद्रह ठीक है अध्याय तीन का धारा क्या हो जाएगा नौ से लेकर के पंद्रह हो जाएगा अध्याय चार में क्या है रैयत के बारे में है सोलह से लेकर के छत्तीस अध्याय चार में क्या हो जाएगा सोलह से लेकर छत्तीस तक धारा हो जाएगा किसके बारे में है रैयत के बारे में है अध्याय पांच में क्या है दोस्तों अध्याय पांच में एक ही धारा है थर्टी सेवन और उसमें क्या है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रहियत है कौन है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रहियत बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया थम्सअप करो समझ में आया तो थम्सअप करके बताओ यहां तक सबको क्लियर है ना दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं अध्याय छे के बारे में अध्याय छे के बारे में, के बारे में सुन लो भाई को इतना से कितना धारा हो जाएगा अड़तीस से बयालीस हो जाएगा कितना से कितना अड़तीस से लेकर के बयालीस धारा नंबर अड़तीस से बयालीस तक आपको कहां मिलेगा अध्याय 6 में मिलेगा इसमें जानते हैं किसके बारे में है अंधी भोगी रैयत किसके बारे में है अंधी भोगी रैयत रैयत का एक वर्ग है ये अंधी भोगी रैयत समझे ये एक वर्ग है रैयत का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंधी भोगी रैयत बोलते हैं किसमें है धारा छ में है ठीक है हंटे फिर टर्मिनोलॉजी के बारे में कल इसके बाद वाला जो क्लास होगा ना हम सब टर्मिनोलॉजी बताएंगे अभी बताएंगे लास्ट में चलिए हो गया उसके बाद अध्याय सेवन जो है इस शब्द का मतलब बताएंगे अभी अध्याय सेवन जो है इसमें कित सॉरी अध्याय सेवन में कितना से कितना धारा तक है दोस्तों इसमें आपको मिलेगा एक ही धारा मिलेगा वो मिलेगा फोर्टी थ्री धारा नंबर फोर्टी थ्री इसको भी स्टार मार्क कर लो इसको भी स्टार कर लो भाई अध्याय सात में धारा नंबर तैतालीस है समझे और इसमें जानते क्या है अध्याय चार में और अध्याय छ में से अध्याय चार और अध्याय छे से जिस भूमि को छूट प्राप्त है चूंकि अध्याय चार में क्या पढ़े आप लोग अध्याय चार में पढ़े रैयत के बारे में अध्याय छे में क्या पढ़े आप लोग अनादि भोगी रैयत के बारे में इन दोनों अध्याय में जिस भूमि पर छूट का प्रावधान है वो आपको मिलेगा किसमें अध्याय सात में किसमें मिलेगा एकदम सिलसिलेवार तरीके से चीजें दी गई है आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर सिलसिलेवार तरीके जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा आराम से समझे इसका जो नोट्स है हम आपको करियर फाउंडेशन ऐप में देंगे कल तक सब लोग डाउनलोड करके रखिएगा वहीं पे आपको मिल जाएगा डेमो क्लास में जाइएगा कल शाम तक डेमो क्लास में जाइएगा वहां पर आज का वीडियो मिल जाएगा आपको और उसी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसी वीडियो के नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा समझ रहे हैं ना तो कल तक आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लीजिए करियर फाउंडेशन का ऐप ठीक तो अध्याय जो सात है दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है अध्याय चार तथा छे से छूट प्राप्त भूमि है इसमें अध्याय चार अध्याय चार तथा छ से छूट प्राप्त भूमि ठीक है अध्याय चार तथा छे से छूट प्राप्त भूमि का जो प्रावधान है वो किसमें है साथियों ये आपको मिलेगा अध्याय नंबर सात में ठीक है उसके बाद जो अध्याय आठ है उन्नीसो अध्याय पढ़ लीजिए तभी धारा समझ में आएगा तभी सारी चीजें क्लियर होंगी अध्याय आठ जो है इसमें चौवालीस से 51 तक है कितना से कितना 44 नंबर धारा से 51 नंबर धारा तक का प्रावधान जो है वो अध्याय आठ में मिलेगा इसमें क्या है पता है जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण समझाते हैं ज्योतों और धृतियों के पट्टे और अंतरण समझे मतलब जो ज्योत है या जो भूमि है भूधृति के बारे में समझा चुके हैं आप लोगों को उसका पट्टा कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा किसको दिया जाएगा है ना जोत किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है इस तरह के प्रावधान आपको मिलेंगे किसमें आपको मिलेंगे अध्याय नंबर आठ में चवालीस से इक्यावन नंबर तक धारा में इसके बारे में प्रावधान है ठीक है ना दोस्त भाई सुबोध यादव के जो कमेंट आ रहे हैं सुबोध यादव मैं आपको बता दूं कि जो आप जो बुक का नाम ले रहे हैं ना वो बुक भी तो सी एन टी एस पी टी एक्ट जो कानून है वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो आपको ये कानून है ना दोस्त कानून जो होता है मान लीजिए भारतीय संविधान है ठीक है तो भारतीय संविधान कोई भी किताब के अपने मन से लिखेगा क्या क्यों बेवकूफी वाली कमेंट करते हो आप लोग थोड़ा तो दिमाग का यूज करो ये कानून है ना झारखंड का भूमि संबंधी कानून है हर किताब में तो वही लिखा रहेगा तो कोई सा भी किताब से पढ़ लो कहीं से भी पढ़ लो उसको बस हम आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं तो बेवकूफी भरी कमेंट क्यों करते हो भाई इस तरह के कमेंट मत करो इससे आपकी जो दिमाग है उसका लेवल मेजर हो जाता है कि आप कितना सोचते हो क्या सोचते हो आपका सोचने का क्षमता किस प्रकार का है समझे कानून है एक्ट है एक्ट आपको हर जगह वही लिखा मिलेगा अब आप आपके पास अगर मनीष रंजन की किताब है तो आप उसको देख रहे हो बोल रहे हो कॉपी पेस्ट भाई समझा रहे हैं, उतना आपको समझा दिया रहता तो आप लोग सीएनटी एसपीटी का क्लास नहीं ढूंढते बुक में चीजें इतनी आसान होती तो ठीक <laughs> है चलिए अध्याय 8 44 से 51 जोतों और भूधरतियों के पट्टे और अंतरण का प्रावधान है, मतलब देखो पट्टा किसको दिया जा सकता है किसको नहीं दिया जा सकता है पट्टा कितने दिन के लिए पट्टा समझते हैं लीज होता है पट्टा का मतलब पट्टा का मतलब क्या होता है लीज होता है ठीक है उसके बाद उसके बाद उसका अंतरण यानी कि जो भूमि किसी को अधिकार में मिला हुआ है खेती करने के लिए मिला हुआ है उसको किसको किसको अंतरण कर सकता किसको ट्रांसफर कर सकता नहीं कर सकता यह सारा प्रावधान जो है साथियों वो आपको मिलेगा इसमें, ठीक चलिए अध्याय नौ के बारे में बात कर लेते हैं। अध्याय नौ की अगर हम बात करें साथियों ये आपको बावन से तिरसठ मिलेगा धारा बावन से लेकर के तिरसठ तक आपको इसका प्रावधान मिलेगा अध्याय नौ में इसमें क्या है इसमें आपको मिलेगा दोस्तों लगान के बारे में साधारण उपबंध है समझे लगान के बारे में साधारण उपबंध लगान के बारे में साधारण उपबंध ठीक है लगान के बारे में साधारण उपबंध चलिए तो ये वाला क्लियर हो गया छह सात आठ नौ लगान मतलब किसको कितना लगान देना होगा कितने दिनों पर देना होगा ये लगान का निर्धारण कौन करेगा ये सारे उपबंध जहां आपको मिलेंगे अध्याय नौ में ठीक है दोस्तों चलिए यह वाली बात क्लियर हो गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नौ तक हम लोग जान लिए अध्याय दस देखो अध्याय दस अध्याय दस जो है साथियों उसको जानने से पहले अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बोले थे कि नौ में भी एक जोड़ा गया है बाद में ऐड हुआ है नौ का क समझे नौ में जोड़ा गया है क्या नौ का क जोड़ा गया है उसको पहले जान लेते तब हम लोग दस जानेंगे चलिए अध्याय नौ का क अध्याय नौ का क यह बाद में जोड़ा गया अनु उपबंध है साथियों इसमें तिरसठ का क है और तिरसठ का ख है धारा इसमें कौन कौन सा है धारा जो है तिरसठ का क है और तिरसठ का ख है ये दो धाराएं आपको इसमें अध्याय नौ के कम में मिल जाएगी क्या प्रावधान है बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको एकदम स्टार मार्क लगा लेना एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा जाता है इसमें बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान है बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान आपको मिलेगा इस अध्याय में ठीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों यह क्वेश्चन एकदम आपको एग्जाम में पूछता है हमेशा पूछता है और ये पूछने की सबसे ज्यादा संभावना होती है तो अध्याय जो आपका Nine का क है इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान है इसमें दो ही तो आर्टिकल बताए आपको तिरसठ का क और तिरसठ का ख तिरसठ का क जो है बंजर भूमि के बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना मतलब बंजर भूमि जो है कोई बंजर भूमि है उसकी बंदोबस्ती कोई लीज पर कर दिया जाता है उसका प्रावधान तिरसठ का क में है समझे बंजर भूमि को बंदोबस्त कर दिया जाता है पट्टे पर यानी लीज पर वो तिरसठ के खा में है और जो बंदोबस्त को रद्द किए जाने का प्रावधान तिरसठ के तो तो ये तो तीनों बातें आपको याद हो गई अध्याय भी याद हो गया उसके उपबंध भी याद हो गए उसके धारा भी याद हो गया समझ गए जी इसको स्टार कर लीजिएगा कि अध्याय नौ का क जो बाद में जोड़ा गया है इसमें बंजर भूमि की बंदोबस्ती का प्रावधान है इसमें दो धाराएं हैं तिरसठ का क और तिरसठ का ख तिरसठ के क में लिखा हुआ है कि बंजर भूमि को किस प्रकार से पट्टे पर बंदोबस्त किया जा सकता है लीज पर बंदोबस्त किया जा सकता है और तिरसठ के ख में जो था हुआ है बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रावधान जो है वो तिरसठ के ख में है आई बात समझ में चलिए हाँ तो धारा नौ का क्लियर हो गया आइए दस की बात करते हैं सॉरी अध्याय अध्याय नौ का क्लियर हो गया अध्याय दस अध्याय दस के बारे में अगर पूछे धारा पहले याद कर ये आपको जो रहे ना आज जो क्लास हुआ है कल तक आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तब कल का क्लास में वो शब्द समझ में आएंगे और वो टर्म समझ में आएगा और धारा भी आपको याद होगा तो आज के क्लास को अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा साथियों ठीक है अध्याय दस जो है इसमें जो धाराएं हैं वो है चौसठ से पचहत्तर चौसठ से कितना तक पचहत्तर तक धारा है अध्याय दस में और ये याद करना जरूरी भी है तो तभी आपको धारा सब याद रहेगा अध्याय दस में चौसठ से पचहत्तर तक धारा है भूस्वामी तथा कस्तकार के लिए प्रकृत उपबंध भूस्वामी तथा कस्तकार के लिए कस्तकार के लिए प्रकृत उपबंध अब इसका मतलब समझ लो थोड़ा सा आप लोग दो वर्ग होता है एक होता है भूमि का स्वामी और दूसरा होता है कस्तकार ठीक है भूमि का स्वामी मतलब भूमि का जो मालिक है और कस्तकार में हो जाते हैं रैयत हो जाता है आपका भूधारक हो जाता है खुटकटीदार दार रैयत हो जाता है दर रैयत हो जाता है ये सब हो गए कस्तकार ठीक है तो उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन रहेगा है ना किस प्रकार से वो भूमि को भूस्वामी अपने कस्तकार को देगा उसका कैसे कस्तकार यूज करेगा उसको कैसे कस्तकार को क्या चुकाना पड़ेगा यानी भूस्वामी और कस्तकार के बीच के संबंधों के बारे में आपको इस अध्याय 10 में देखने को मिलेगा और धारा चौसठ से लेकर के 75 तक इसके बारे में प्रावधान दिया गया है दोस्तों ठीक है धारा में कोई प्रॉब्लम नहीं है हो जाएगा, हो जाएगा जाएगा, यासी चिंता मत करिए। चलिए अध्याय अध्याय क्या है? देखिए इसके बाद वाली क्लास जो होगी ना इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हम टर्म उसमें टर्म बताएंगे कौन से शब्द का मतलब क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण बातें कल के क्लास में क्या होगी पता है अब तक सीएनटी एक्ट में क्या क्या संशोधन हुआ है कुछ करेंट की बातें बताएंगे कि कैसे अपोलो अस्पताल जो यहां पे है रांची में वो किस तरह की भूमि पर बना हुआ है समझे क्योंकि वहां पे का थोड़ा सा लिंकिंग है है दोस्तों अपोलो अस्पताल जो है ना रांची में आपको एक पॉइंट बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आपके बीच में तब आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर देखिए आप लोग एक बात सुन लीजिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कल के क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे उपबंध बाद में जोड़े गए हैं समझे शिड्यूल एरिया रेगुलेशन का नाम सुने होंगे आप लोग जैसे कि पहले क्या होता था कि जनजातियों की भूमि केवल जनजा मतलब किसी को भी कोई भी ले लेता ले था, था लेकिन अगर जनजाति किसी दूसरे को जमीन दे दिया है सी एन टी एक्ट का जमीन किसी दूसरे को दे दिया है तो वो सीड्यूल एरिया रेगुलेशन में जाकर के कंप्लेन करके अपनी जमीन को वापस ले सकता है ये प्रावधान बाद में जोड़ा गया साथियों समझे ये प्रावधान जो है बाद में जोड़ा गया है इसको थोड़ा सा आप लोग को या देखिए बुंडू का सूर्य मंदिर का नाम सुने आप लोग बुंडू में जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य मंदिर और जो रांची का जो अपोलो अस्पताल है वो एक्ट की भूमि पर किस प्रकार से अंतरण किया गया है उस पर भी हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल का का भी भी क्लास आज का भी मुझे लगता है उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा अभी तक तो सारी चीजें जिस प्रकार से आप लोग तो चैप्टर से डरते हैं वैसा तो आप लोग को आज की क्लास नहीं लग रही होगी ठीक है कल भी आठ बजे से ही रहेगा कल भी आठ बजे से रहेगा ठीक है चलिए तो कहा थे हम लोग अध्याय नंबर ग्यारह में अध्याय नंबर ग्यारह जो दोस्तों छिहत्तर से उन्नासी तक है कितना है सेवेंटी सिक्स से सेवेंटी नाइन तक इसके बारे में है इसमें क्या है रूढ़ी या संविदा से संबंधित प्रावधान है रूढ़ी या संविदा से संबंधित प्रावधान, से संबंधित प्रावधान आप लोग को समझाते हैं रूढ़ी या संविदा से संबंधित प्रावधान मतलब कि सी एन टी एक्ट जब लागू होता है जहां पर लागू होता है वहां से कोई ऐसी प्रथा चलती आ रही है मान लीजिए पहले से कोई रूढ़ी चलती आ रही है कोई प्रथा चलती आ रही है तो उसको वो प्रभावित नहीं करेगा समझे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया संविदा हो गया है तो वो किस प्रकार से संविदा टूटेगा इस सारे प्रावधान आपको मिलेंगे किसमें है ना ये प्रावधान आपको अध्याय ग्यारह में मिलेंगे छिहत्तर से लेकर उनासी के बीच में मिलेंगे समझ में आया कि नहीं अच्छा मिस्टर हॉस्पिटल की बात आई तो मैं बताना चाहूंगा फिलहाल मैं मेडिका में हूं और यहीं से क्लास ले रहा हूं क्या बात है मेडिका अस्पताल में क्या कर रहे हैं आप क्या दिक्कत है चलिए अध्याय 11 ग्यारह सेवेंटी सिक्स रूढ़ी अपिदा मतलब कि सी एन टी एक्ट जो आपका लागू होगा तो उससे कोई पहले से प्रथा चलती आ रही है उन प्रथाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा संविदा जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह प्रावधान आपको मिलेंगे किसमें अध्याय नंबर 11 में चलिए 19 अध्याय जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं फिर हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे अध्याय नंबर उन्नीस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करेगा दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अध्याय सॉरी 19 पे आगे डायरेक्टली 11 के बाद 12 होगा ना अध्याय नंबर 12 अध्याय 12 जो है इसमें क्या है 80 से 100 तक है 80 से 100 तक जो धारा है वो अध्याय 12 में है इसमें ना अधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण के बारे में है अधिकार अभिलेख अधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण समझे अधिकार अभिलेख और न, लगान निर्धारण का जो प्रावधान है यह आपको मिलेगा किसमें तो अध्याय नंबर बारह में अधिकार अभिलेख क्या होता है ना कि किस भूमि पर किसका अधिकार है उससे संबंधित चीजें लिखी बोलते हैं किस भूमि पर किसका अधिकार है वो लिखा होता है उसी को अधिकार अभिलेख बोलते हैं और किस पर कितना लगान का निर्धारण होगा कौन लगान का निर्धारण करेगा लगान कम हो सकता है कि नहीं है ना किस परिस्थितियों में लगान जो है कितने दिनों में चुकाना होगा इस तरह से लगान से संबंधित के निर्धारण से संबंधित जो प्रावधान है खासकर लगान निर्धारण से संबंधित प्रावधान आपको किसमें मिलेगा अध्याय बारह में मिलेगा जो धारा नंबर 80 अस्सी से लेकर के सौ तक है धारा जरूर याद करिएगा कि किसके किसके बीच में है समझे किसके किसके बीच में है ये जरूर याद के किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं कौन कौन सी धाराएं हैं वो याद रखिएगा तो अगला जो क्लास में हम लोग धारा पढ़ेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा ठीक है चलिए अध्याय नंबर तेरा अध्याय नंबर तेरह क्या है साथियों इसमें जो धारा आएगा वो एक से एक तक आएगा एक से एक सत्रह तक प्रावधान आपको अध्याय तेरा में मिलेगा देखिए अधिकार अभिलेख जो आपको तो बताया ना अधिकार अभिलेख को हम लोग रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं किस पर किसका राइट right है उसका रिकॉर्ड को ही अधिकार अभिलेख बोलते हैं ऑफ राइट इंग्लिश मीडियम वाले दिक्कत हो रहा होगा अधिकार अभिलेख समझने में तो रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा जाता है उसको इंग्लिश में चलिए तो अध्याय तेरा जो है 101 से 117 तक है साथियों इसमें ना भूमि संबंधी शर्त और उसके रूपांतरण और अभिलेख के बारे में है भूमि संबंधी शर्त भूमि संबंधी शर्त और उसका रूपांतरण और अभिलेख ठीक है इसका प्रावधान आपको मिल जाएगा इसमें ठीक किसमें अध्याय नंबर तेरह में अध्याय नंबर चौदह क्या है साथियों अध्याय नंबर चौदह क्या है इसमें आपको जो धारा मिलेगा एक सौ से एक सौ छब्बीस मिलेगा एक सौ से एक सौ छब्बीस तक मिलेगा इसमें और इसमें भूस्वामियों के विशेषा अधिकार समझे भूस्वामियों के अधिकार युक्त भूमिका भी लेख है इसमें भूस्वामियों के देशा अधिकार भू भूस्वामी उसको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है ना विशेषा अधिकार भूस्वामियों के विशेषा अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख युक्त भूमि का अभिलेख अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड होता है समझे अभिलेख मतलब कि जो भूस्वामी होगा उसका कुछ ऐसा भूमि होगा जिस पर उसको विशेष अधिकार प्राप्त होगा है ना कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होगा भूस्वामी को तो वो जो विशेष अधिकार कुछ भूमियों पर होगा उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपको मिलेगा अध्याय नंबर चौदह में जो एक सौ अठारह से एक सौ छब्बीस ठीक है लाइक करने वाले बच्चे अभी तक लाइक जो लोग नहीं किए हैं देखिए तभी बोल रहे थे पांच मिनट में एक हजार हो जाएगा लेकिन अभी तक एक हजार लाइक नहीं पहुंचा है सभी दोस्तों से एक बार आग्रह है निवेदन है सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए है ना आप लोग अनेक चीजों को लाइक करते होंगे बहुत सारी चीजों को लाइक करते होंगे गाने लाइक करते होंगे वीडियोस लाइक करते होंगे ठीक है भोजपुरी सॉन्ग बजता होगा उसको लाइक लाइक करते होंगे बहुत सारी चीजें आप लोग एक बार में लाइक उसमें कोई लाइक करने बोलता नहीं था आपको लेकिन कर देते होंगे फेसबुक में आपको कुछ चीजें अच्छी लगती होगी लाइक करते होंगे लेकिन आपको यहां पर लाइक करने में दिक्कत आ रही है भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करिए ये लाइक जो होता है हम लोगों के मनोबल के लिए होता है क्योंकि ये फ्री क्लासेस चलती है इसमें मनोबल के दम पे चलती है ठीक है चलिए सभी लोग रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी देरी मत करिए एक हजार तो हो गया है बट आप लोग जो नहीं किए ना अब तक सब लोग करते रहिए अब हम लोग बात करते हैं अध्याय पंद्रह के बारे में अध्याय नंबर पंद्रह अध्याय जो पंद्रह है साथियों इसमें क्या है इसमें आपको मिलेगा एक सौ से एक सौ चौतीस नंबर तक वन ट्वेंटी सेवन से वन थर्टी फोर नंबर धारा तक इसमें मिल जाएगा और इसमें क्या है अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं ग्राम मुखिया तथा अधिधारियों के अन्य वर्ग की बाध्यताएं ठीक है क्या किस किस चीज के लिए वो लोग बाध्य होंगे ये सारी चीजें चलिए नेक्स्ट है साथियों अध्याय नंबर अध्याय नंबर अगला जो है वो आपका है सोलह ठीक है अध्याय नंबर सोलह एक सौ पैंतीस सबसे ज्यादा धारा पूछेगा ना कि Act में सबसे ज्यादा धारा किस अध्याय में मिलेगा ठीक है पूछ सकता है सर क्योंकि अध्याय नंबर जो आपका सोलह है इसमें बहुत सारी धाराएं हैं दोस्तों इसमें आपको 135 से लेकर दो तक मिलेगा 135 से दो सबसे ज्यादा धारा वाला अध्याय आपका कौन सा है 16 है बाद में 16 में भी एक और ऐड हुआ है इसमें उपायुक्त द्वारा सज्ञे विषयों की न्यायिक प्रक्रिया उपायुक्त द्वारा सज्ञे सज्ञे समझते हैं संज्ञान जो ले चुका है विषयों की न्यायिक समीक्षा समझे उपायुक्त जिन विषयों पर संज्ञान ले चुका है उनकी न्यायिक समीक्षा का प्रावधान धारा 16 में है और धारा 16 में सब सॉरी अध्याय 16 अध्याय 16 में सबसे अधिक धाराएं हैं दोस्तों ये आपको याद रहेगा आराम से 135 से दो नंबर धारा जो है वो अध्याय 16 में आता है सबसे ज्यादा धारा इसी अध्याय में आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब देखो 16 तो क्लियर बाद में एक और अध्याय ऐड हुआ 16 का क है ना तो ये वाला जो एड हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए अध्याय सोलह का क अध्याय जो सोलह का, का है साथियों इसके बारे में अगर बात करें 135 से लेके दो जो अभी 16 की बात की है 135 तक एक सौ तक है 16 का क जो अध्याय है इसमें एक ही प्रावधान है क्या प्रावधान है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम लीजिएगा बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम जो है 1914 में आया था कि अधीन लगानों के वसूली की सिर्फ प्रक्रिया के अधीन लगानों के वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया ठीक है लगानों के वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया ठीक है दोस्तों चलिए ये आपको मिलेगा अध्याय 16 के कह में देखिए ये भी याद आपको आराम से रह जाएगा क्योंकि बाद में ऐड हुआ सोलह का क है ना सोलह का क बाद में ऐड हुआ और इसमें बिहार उड़ीसा लिखा हुआ इससे भी आप लोग आराम से पकड़ लीजिएगा इस ऐड इसको ठीक है साथियों चलिए ध्यान दीजिएगा उसके बाद आपका कौन सा है अध्याय नंबर सत्रह है अध्याय सत्रह जो है इसमें दो सौ तीस से दो सौ अड़तीस है दो सौ तीस से दो सौ अड़तीस है और इसमें परिसीमा का प्रावधान है परिसीमा से संबंधित प्रावधान जो है वो अध्याय सत्रह में है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा उसके बाद अध्याय अठारह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क्स लगा दीजिएगा अध्याय नंबर अठारह अध्याय अठारह अध्याय अठारह जो है दोस्तों इसमें आपको मिलेगा दो सौ से दो सौ पचपन दो सौ से दो सौ पचपन नंबर धारा तक इसमें मिल जाएगा आपको इसमें मुंडारी खुटकटीदारों के विषय विशे में विशेष उपबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडारी खुटकटीदारों के बारे में खूटकटीदारों के बारे में विशेष उपबंध है मुंडारी खुटकटीदारों के बारे में विशेष उपबंध आपको मिलेगा अध्याय नंबर सेकेंड लास्ट ठीक है उन्नीस अध्याय आपको बताया ना तो सेकेंड लास्ट जो अध्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मुंडारी खुटकटीदारों के बारे में विशेष उपबंध है खुटकटीदार का मतलब आपको बता चुके हैं कि जो जंगल की भूमि को साफ करके जो उसको खेती लायक बनाया जाता है उसको खुटकट्टी बोलते हैं उस भूमि पर जो खेती करने वाले होते हैं उसको खुटकटीदार बोलते हैं जिस पर उसका अधिकार होता है मुंडारी खुटकटीदार में मुंडा जनजाति अगर खासकर जुड़ जाएगा मुंडा जनजाति अगर किसी जंगल की भूमि को साफ करके उसको खेती योग्य बनाते हैं तो उसको मुंडारी खुटकटीदार कहेंगे आया बात समझ में चलिए बहुत बढ़िया अब हम लोग जानते हैं अध्याय नंबर उन्नीस के बारे में किसके बारे में अध्याय नंबर उन्नीस के बारे में जान लेते हैं साथियों इसमें अनुपूरक उपबंध बहुत ईजी है इसको याद करना कुछ नहीं है इसमें अनुपूरक उपबंध है अनुपूरक उपबंध बचे हुए जितने भी चीज जो इतनी सारी अध्याय में नहीं है वो सारे पॉइंट्स आपको किसमें मिलेंगे ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे अनुपूरक उपबंध में ये तो ऐसे याद हो आपको लास्ट वाला उन्नीस नंबर अनुपूरक उपबंध है बचे हुई सारी चीजें जो है वो आपको अनुपूरक उपबंध के अंतर्गत मिल जाएगी साथियों है कि नहीं क्लियर है सबका कोई दिक्कत बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना सारा अनुपूरक चीजें जो भी बची खुची चीजें हैं वो सारा आपको अनुपूरक उपबंध में मिल जाएगा दोस्तों और आपसे अंत में कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें करते हैं फिर आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे फिर कल इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे क्योंकि आपको बोले 24 नंबर है ना चौबीस नंबर में बीस नंबर को अगर आपको टारगेट करना है तो ये तीन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज कल और परसों ठीक है आज कल और परसों की क्लास अगर आपने अटेंड कर लिया ध्यान लगाकर मन लगाकर और नोट्स जाके डाउनलोड कर लिया हमारे करियर फाउंडेशन ऐप से ठीक है तो आप लोग का बीस नंबर लाना आसान हो जाएगा जो आप लोग डरते हो सी एन टी टी एक्ट नहीं बनता है नहीं बनता है देखो तीन क्लास करके फिर देखो कैसे बनेगा लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप लोग का ऐसी बस क्लास देख लिए बन गया ध्यान से देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा नोट से ठीक है साथियों सभी लोग करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कुछ बातें हम अंत में आपसे करना चाहेंगे इससे रिलेटेड कि जो भारतीय संविधान के अंदर सी एन टी एक्ट की कुछ धाराओं को जोड़ा गया है समझे आपसे अगर सवाल पूछ दे कि भारतीय संविधान में एन टी एक्ट की कुछ धाराओं को जोड़ा हुआ है जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों छियासठवां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में ठीक है याद रखना इस पॉइंट को छियासठवां संविधान संशोधन 1990 में भारतीय संविधान में सी एन टी एक्ट की कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की नवी अनुसूची में जोड़ा गया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या हुआ जानते हैं जब नवी अनुसूची में सी एन टी एक्ट के कुछ प्रावधान को जोड़ दिया गया छियासठवें संविधान संशोधन में 1990 में तो इसका मतलब यह हुआ ना कि न्यायपालिका इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है समझे न्यायपालिका इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और संसद इससे रिलेटेड कानून अगर संशोधन करना ही है तो संसद इसमें संशोधन कर सकती है ऐसा प्रावधान जुड़ गया ठीक है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जी YouTube में अपलोड रहेगा चिंता मत करिए YouTube में अपलोड रहेगा लेकिन आप लोगों का एक ही काम होगा इस वीडियो को यूट्यूब में जितना हो सके शेयर करिएगा दोस्तों ठीक है इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है आप लोग ये मत सोचो यार कि आपको दिक्कत हो जाएगा कट ऑफ ये हो जाएगा भाई ज्ञान एक ऐसी चीज होती है ना जो बांटने से बढ़ती है बांटो चीज किसी भी तरह से पढ़ा के बांटो शेयर करके बांटो ये एक बना हुआ विधान बना हुआ है विधि बना हुआ नियम बना हुआ है कि अगर आप ज्ञान जितना बांटोगे जितना शेयर करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा ठीक है ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो ये सोचो नहीं यार कि वो भी पढ़ लेगा तो वो भी नंबर ले आएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी है ना आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है आपके अंदर क्षमता है तो आप नंबर जरूर लाएंगे आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो ना तो कमेंट बॉक्स में कम से कम हंड्रेड कमेंट तो मुझे मांगता है ठीक है आज की क्लास के बारे में क्लास खत्म हो जाए तो हंड्रेड कमेंट नाइन्थ शेड्यूल नाइन शेड्यूल में गया हंड्रेड कमेंट जरूर कीजिएगा आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो क्लास खत्म होने के बाद आज के क्लास की प्रतिक्रिया के स्वरूप में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इस वीडियो की पी के लिए आप करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करिए कल आपको करियर फाउंडेशन ऐप पर इसका पी मिल जाएगा ठीक है ना आज की क्लास का समझ में आया आज की क्लास मजा आया दोस्तों चलिए दो क्लास और कर लीजिए इसका फिर आप लोग जाइए बिंदास एग्जाम में बीस नंबर लाइए चैट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चैट बॉक्स में तो कमेंट देख ही रहा हूं मैं वीडियो खत्म हो जाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों ठीक है चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करिए और क्लास जैसा भी लगा हो जो भी सुझाव देना हो अच्छा लगा हो एवरेज लगा हो बहुत अच्छा लगा हो समझ में आ गया हो याद हो गया हो तो आप लोग इस तरह के कमेंट्स जा करके वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कीजिएगा तभी हम मानेंगे आपको अच्छा लगा ठीक है नहीं कीजिएगा तो हम नहीं मानेंगे थैंक यू सूरज कुमार सुनील कुमार कांत मेहता नारायण वरांडी रीता कुमारी आशीष कुमार प्रिया गोपाल हेमरन मानसी राव मनीष कुमार तिवारी राकेश सिंह प्रवीण भगत प्रभात रंजन साहिब कुमार जीना सिन्हा सिस्टर अनु अंजलि शत्रुघ्न चौरसिया चलिए अरविंद खड़िया डेविड सोरेंग, धनंजय कुमार अली मोहम्मद दीपक यादव ज्योत्सना सीमा पंकज राज किशोर सुनील कुमार अभिमन्यु सिंह सीमा टोपो सुजीत कुमार ओझा सचिन कुमार संध्या सुरीन विभीषण तुरी मनीष लक्ष्मी मरांडी प्रभात रंजन सभम किरण कुजूर अन्हा प्रवीण चलिए बहुत तेजी से कमेंट्स क्रॉस कर रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने दौर तक तो जुड़े रहने के लिए प्रिया पांडे आप सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूं भोला त्यागी जी सौरभ काजल रामराज पासवान अनु अंजलि प्रवीण भगत रोहित पांडे मुक्ति जालो मधु कच्छप देवरंजन कुमार सिंह दिव्यनाथ चलिए उषा कुमारी दीपेश रंजीत गुड नाइट गुड नाइट सभी को शुभरात्रि सभी को गुड नाइट दोस्तों सभी को शुभरात्रि गुड नाइट इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा दोस्तों हर जगह दिखना चाहिए फेसबुक में है ना फेसबुक में टेलीग्राम में व्हाट्सएप में जहां हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा यह आप लोगों से निवेदन है अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरी बात को सुनिएगा मानिएगा तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा इस वीडियो का समझे दिल से बोल रहा हूं आपको ज्यादा लाभ मिलेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कल की क्लास में फिर से जुड़िए रात को आठ बजे है ना इसी सी एन की अगली क्लास आप लोगों को कल मिलेगी रात को आठ बजे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे कल आप पीडीएफ इसका ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच मिल, मिलते हैं फिर अगले क्लास में दिव्यनाथ जो चीजें क्लियर आपको क्लियर नहीं हुई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हम देख लेंगे क्या चीज आप बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो खत्म होने के बाद लिख दीजिएगा जो भी डाउट होगा आज की क्लास के बारे में हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे ठीक है क्ला, खोटा क्लास होगा बहुत जल्द शुरू होगा चिंता मत करिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा चलिए जी जी खोटा का क्लास होगा बहुत जल्द शुरू होगा चिंता मत करिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक दो दिन के अंदर सी एन टी एसपीटी के SP, देंगे पहले थ्योरी को अच्छे से कमांड लीजिए एमसीक्यू का क्लास भी आप लोग को देंगे जिससे आप ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे चलिए मिलते हैं साथियों वीडियो को सब लोग लाइक करिए जल्दी से ग्यारह सौ नहीं पहुंचा जल्दी से लाइक कीजिए देखिए हेटर लोग सत्रह लाइक डिसलाइक जरूर कर दिए हैं इसलिए आपसे निवेदन है जो लोग अभी तक लाइक बटन को क्लिक नहीं किए सभी लोग लाइक बटन को क्लिक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को सब लोग जो लोग नहीं किए ना सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच साथियों सभी को गुड नाइट शुभरात्रि सबा खेरा थैंक यू एडमिशन से संबंधित किसी तरह की डिटेल के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा ऐप में विजिट करिए वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं ऐप में झारखंड पुलिस के लिए झारखंड दरोगा के लिए झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए आ, या फिर जो भी झारखंड वैकेंसी आने वाली है जैसे कि आपका आ, मेंस के लिए जेपीएससी मेंस के लिए ये सारी कोर्सेज आपको मिलेगी हमारे ऐप पर तो ऑफिशियल नंबर आपको सामने दिख रहा है और ये झारखंड जीके का कोर्स स्पेशल भी है आप लोग कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं इसमें ठीक है अस्सी नब्बे घंटे की क्लास है इसमें इसमें आप लोग पूरा झारखंड जीके पढ़ सकते हैं आप लोग ज्वाइन करने के लिए ये डिटेल देख लीजिए इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच